दोस्तों नमस्कार। और आज का प्रोग्राम अभी हम लोग चालू करने वाले हैं, तो अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर सारे लीडर को जल्दी से ज्वाइन कराइए। और अभी करीबन 460 लोग हमारे जूम रूम में आ चुके हैं, और मैं आपको बताऊं ये जूम रूम अभी कुछ ही सेकंड के अंदर फुल होने वाला है। बाकी सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सारे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। चंचल रस्तोगी है हमारे यूट्यूब चैनल, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए। आपको लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, वो लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए। राइट, आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप सब कोई तैयार हो जाइए और जल्दी से जल्दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कीजिए, जल्दी से जल्दी लोगों को ज्वाइन कराइए। और मात्र 20 लोगों में ये फुल होने वाला है हमारा जूम रूम। राइट, अगेन लीडर्स वेलकम टू यू ऑल। मैं देव राउरकेला उड़ीसा से आप सबको, पूरी टीम टीसीआर तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं आज के इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। और मैं आप सबको बता दूं, आज का प्रोग्राम एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम होने वाला है। आज के प्रोग्राम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चंद लाइनें मैं बोलना चाहूंगा। पानी में तस्वीर बना सकते हैं हम, कलम को शमशेर बना सकते हैं हम, टायर वो है जो तकदीर पे रोते हैं, हम पीसीआर हैं, हम पीसीआर टीम में काम करते हैं, जैसे चाहो वैसे तकदीर बना सकते हैं हम। तो लीडर्स आर यू एक्साइटेड, आप लोग तैयार हैं आज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए? आप सब तैयार है ना? और मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी जूम रूम फुल हो चुका है और यहाँ पे और जगह नहीं है। राइट, यहाँ पे और जगह नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है चंचल रस्तोगी, वहां पे आप जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप ये सेशन को लाइव देख सकते हैं। और लीडर्स मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ आज का प्रोग्राम का। आप सब तैयार है? सुनना चाहते हैं सीक्रेट? अगर सुनना चाहते हो जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए। सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं आज का प्रोग्राम। मैं आपको बताऊं, जैसे लास्ट हमारे थर्सडे को बहुत जबरदस्त हमने जीपीएस देखा, और आज का प्रोग्राम है क्या, ये लॉकडाउन 2.0 में ये पहली बार हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होने को जा रहा है लीडर्स। और प्रोग्राम जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग ये प्रोग्राम फ्री में मिल रहा है, क्योंकि जितने लोगों को 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गया, उन सबको पता है एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भी 200 से 300 रुपए लगता है, पैसा देना पड़ता है अपने स्टेट में, नहीं तो अलग स्टेट में जाके अटेंड करना पड़ता है। राइट, मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ आज का सीक्रेट क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा चैट में जाके कि आप लोग मुझे एक चीज बताइए, ऑक्सीजन के बिना जीना पॉसिबल है क्या? ऑक्सीजन के बिना हम लोग जी सकते हैं क्या? राइट राइट राइट, नो 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 नो, नहीं जी सकते ना। जैसे ऑक्सीजन के बिना हम लोग जी नहीं सकते, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है बोल के बहुत सारे लोग कोविड में डेथ कर रहे हैं। राइट, वैसे ही बिना ट्रेनिंग के हम इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री क्या, कोई भी इंडस्ट्री में बिना ट्रेनिंग के हम सफल हो ही नहीं सकते। तो ये ट्रेनिंग मैं आपको बता रहा हूं आपके लाइफ में बहुत इफेक्ट डालने वाला है। क्यों क्यों दोस्तों? क्योंकि आज वो शुरुआत है, आज हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन है, और आज डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब कोई बंदा ज्वाइन करने के बाद कैसे काम किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे काम करना चाहिए, वो सारे चीज आज यहाँ पे हमें बताने वाले हैं। मैं बता दूं, हमारे जो आज के ट्रेनर है, हमारे आज के जो ट्रेनर है, आपने यूट्यूब में बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज हमारे पास एक यंग एंड डायनामिक एनर्जेटिक लीडर आने वाले हैं, जिनका नाम है अंकित कुमार। आज वो सीटीसी रैंक में है, मात्र उनका उम्र बताऊं ओनली 28, और 28 एज में आज वो धमाका कर रहे हैं। और आप सब लकी हैं, हम सब लकी हैं कि आज उनका सेशन देखने वाले हैं। तो आप लोग बताइए सीक्रेट बताऊं, आप लोगों को सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट अगर जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ सब वीडियो ऑन करके बैठे हो। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, अपना वीडियो ऑन कीजिए। राइट राइट, बहुत सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं। राइट,
दोस्तों सीक्रेट यह है कि आज का प्रोग्राम मैं आपको बताऊं, आज का प्रोग्राम आपके वर्क में बहुत जबरदस्त चेंजेस लाने वाला है। सीक्रेट यह है कि आज का प्रोग्राम को ध्यान से जो अटेंड किया, सो के अटेंड नहीं करना है, बैठ के अटेंड करना है और अपने डायरी पेन के साथ अटेंड करना है। ये देखिए मेरे पास डायरी पेन मेरा रेडी है, मेरा तैयार है, आपका तैयार है ना? अगर तैयार है तो दिखा भी सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। आपका डायरी पेन रेडी है? डायरी पेन लेके बैठ के नोट डाउन करना है, हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। क्यों? आज का प्रोग्राम को अगर सही तरीके से आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया ना, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपका जो इनकम है वो 5 times ग्रो करने वाला है, 5 times मल्टीप्लाई होने वाला है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है आज का, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, लिखना बहुत जरूरी है। राइट लीडर्स, तो ऑलरेडी अगेन मैं आपको बता दूं, हमारा जूम रूम फुल हो चुका है और जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर लीडर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मीटिंग में आना चाहते हैं, सबको आप लोग हमारे यूट्यूब लिंक में ज्वाइन करने के लिए बोलिए, सबको इन्फॉर्म कीजिए कि यूट्यूब लिंक में ज्वाइन करेंगे। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा आज के प्रोग्राम में आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाए ना, आप लोग चैट में जाकर रिप्लाई दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ जब हमारे ट्रेनर को मैं बुलाऊ ना, आप सबका जबरदस्त अप्लॉज के साथ उनको बुलाएंगे और आप लोग अपने डिजिटल स्क्रीन पे आप लोग अप्लॉज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे अप्लॉज करके बुला सकते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको टेक्स्ट करके चैट के जरिए वेलकम सर बोल के हम उनको बुलाएंगे। तो आप लोग बताइए, बुलाए उनको? बहुत कम लोगों का मैसेज आ रहा है, ऐसे में मैं नहीं बुलाऊंगा, सबका मैसेज चाहिए मुझे सबका। यस 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 सर, बहुत सारे अखिलेश, सविता मैडम, ऋषि, देवेंद्र जी, अखिलेश कुमार, आई एम एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो वेरी 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 एक्साइटेड, क्योंकि आज वो दिन है, मैं आपको बताऊं, जहां से आपकी ये टीसीआर जर्नी का जो पहली बार ये प्रोग्राम अटेंड के लिए उनका आज से स्टार्ट होने वाला है। आज से आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस तो नहीं बोलूंगा, आपके लाइफ में आज एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस। आज का प्रोग्राम बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और पूरा लास्ट तक ये प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा, एक भी पॉइंट नहीं चूकना चाहिए। राइट, एक भी पॉइंट नहीं चूकना चाहिए। अब सबने कहावत सुना होगा कि आम डिस्ट्रीब्यूटर सोता हुआ शेर होता है। राइट, आम डिस्ट्रीब्यूटर सोता हुआ शेर होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग दे दो, आप देखना रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बना देगा। तो आज का वही प्रोग्राम है गाइस, आज के बाद बहुत मजा आने वाला है, बहुत रिकॉर्ड बनाने वाले आप लोग। आपके टीम में जो 10K अचीवर्स है, जो 7.5K के कर रहे, कोई 20K, कोई 50K कर रहे, मैं आपको बताऊं आज के प्रोग्राम के बाद ये बहुत बढ़ने वाला है। राइट, तो बी अलर्ट गाइस, अपने डायरी पेन लेके तैयार हो जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और ऐसे ट्रेनर हमारे पास आ रहे हैं आज हमें सिखाने के लिए जो ऑलरेडी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आप बताइए 28 साल के एज में, आज मैं बताऊं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। राइट, जिनके पास 1 रुपए का इनकम नहीं है, लेकिन 28 साल में सीटीसी रैंक में आज है, वो लाखों रुपए महीने का इनकम कर रहे हैं। और वो कैसे अपने लाइफ में इतना चेंजेस लाए, उनका एक्सपीरियंस को लेके आज वो हमें आज बहुत सारे चीज सिखाने वाले हैं, वो हमें बताने वाले हैं, वो आज ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं। गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। राइट, और मैं आपको बताऊं हमारा जूम रूम 500 से एक भी कम नहीं हो रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ जो एक कम भी नहीं हो रहा है। देव नो स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस आप सबका डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा द यूथ आइकन, द यंगेस्ट लीडर, नन अदर देन मिस्टर अंकित कुमार सर, सीटीसी लीडर, जो लखनऊ से है, यूपी से है, और मैं उनको डिजिटल स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई होप मेरा आवाज बराबर आ रहा है सर। जी जी जी, आप सर। ओके, माय नेम इज अंकित कुमार सर, अंकित कुमार सर से रहेगा सर, अंकित कुमार राम से रहेगा, प्लीज पुट मी इन द स्पॉटलाइट। ओके ओके सर, मैं कर देता हूं। ओके ओके, नमस्कार एवरीवन, ग्रेट इवनिंग, जय श्री कृष्णा, सलाम अलैकुम, केम छो,
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आप सब लोगों को से सॉरी बोलना चाहूंगा. एक्चुअली मॉर्निंग से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा कुछ काम वाम चल रहा है, सो सुबह से नहीं है. एंड आई गेस 2-2.5 घंटा ही हम लोग ये सेशन ले पाएंगे, बिकॉज आई डोंट नो इन्वर्टर कब तक चलेगा. सो प्लीज आई होप आप सब लोग थोड़ा सा शार्प रहेंगे, लिखने के लिए तैयार रहेंगे, एंड आई होप कि जल्दी जल्दी हम लोग अपने सेशन को खत्म कर सकेंगे. ओके, सो आई होप मेरी आवाज आप सब लोग को बराबर आ रही है एंड मेरा वीडियो बराबर दिख रहा है. अगर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज सर, आशीष सर, नहीं, या अजीत सर, वीडियो का कोई इश्यू या ऑडियो का कोई इश्यू? नो इश्यू सर, नो इश्यू, नो इश्यू. ओके, नो इश्यू. सो थैंक यू वेरी मच अंचल सर एंड एंटायर टीसीआर टीम, आप लोगों ने मुझे मौका दिया आज का सेशन अटेंड करने के लिए. एंड आई होप आज मैं आपका लाइफ में, आपके इस बिजनेस में थोड़ा कुछ वैल्यूज एड ऑन कर सकूं, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर सकूं, करना चाहूं, करूंगा अपनी तरफ से. लेकिन फ्रेंड्स, अगर बीच में कुछ भी कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम रहे या कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहे तो मैं पहले से उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा, बिकॉज आई डोंट नो कब क्या हो जाए. लेकिन आई गेस 2-2.5 घंटा तो हम लोग इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे. ओके, सो ज्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए मैं छोटा सा अपना इंट्रो दूंगा, उसके बाद हम लोग आज के सेशन पर आ जाएंगे. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट द स्किल्स जो इस बिजनेस में जरूरी है. लाइक मैं लिस्ट बिल्डिंग की बात नहीं करने वाला, मैं इन्विटेशन की बात नहीं करने वाला, मैं क्लोजिंग की बात नहीं करने वाला, मैं इन बेसिक्स की चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला. अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आपके चंचल सर के चैनल पे ही हमारा लास्ट ईयर जून में सेशन हुआ था, उसमें डीप में हमने 3-3.5 घंटा इन बेसिक चीजों के ऊपर बात करी थी. आप जाकर उन वीडियो को वापस देखकर उन बेसिक चीजों पर अपने उनको वापस देखकर उन सब चीजों को वापस एक रिवाइंड कर सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स. आज मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो आज यहाँ पर बैठे हुए 500 लोग जो आज जूम पर हैं और शायद 100, 200 या 300 लोग जितने भी लोग यूट्यूब पे रहेंगे, आप सबका माइंड ओपन होगा इस बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए. मैं वो चीज आपसे बात करने वाला हूँ. सो इफ यू आर रेडी से यस, अगर आप तैयार है तो से यस, से यस. इफ यू आर रेडी से यस, से यस, से यस. आपकी 25 यस जब तक मैं नहीं सुनूंगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला. 25 यस के साथ मैं आगे बढ़ूंगा. 25 यस. कम ऑन यार, फास्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे. यार टीसीआर टीम तो बहुत फास्ट है यार, लाखों का बिजनेस करती है, उनके अंगूठे इतने स्लो कैसे चल सकते हैं? जीत सर, आशीष सर, थोड़ा तो तेज होने चाहिए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं जानना चाहूंगा आज हमारे बीच में कहां कहां से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए. शायद राजस्थान से हो सकते हैं, उड़ीसा से होंगे बहुत सारे लोग. सुप्रिया मैम है उड़ीसा से, गौरव सर है हरियाणा से, दैट्स ग्रेट. ओके, गोरखपुर से हैं, ओके दैट्स ग्रेट. बिहार से हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. प्रयागराज से हैं, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. आई होप, आई गेस इंडिया के अलग अलग स्टेट से होंगे, बिकॉज चंचल सर का बिजनेस एक स्टेट में तो नहीं है, पूरे देश में बिजनेस चल रहा है. और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है जिस हिसाब से टीसीआर आगे बढ़ रही है, आपका बिजनेस पूरी दुनिया में भी एक्सपैंड होएगा. ओके, इफ यू अग्री विद मी टाइप यस. If you agree with me, type yes. Okay, friends, my name is Ankit Kumar and शायद आप में से कोई होगा डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने ये बिजनेस को 3 महीना पहले शुरू किया होगा, किसी ने 6 महीना पहले शुरू किया होगा, किसी ने 12 महीना पहले शुरू किया होगा, किसी ने 2 साल पहले शुरू किया होगा. मेरे जिंदगी में बिजनेस अपॉर्चुनिटी 31 मई 2014 को मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी एट द एज ऑफ 21.5. 21 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी. राइट नाउ माई एज इज 28 साल का एज हो चुका है. एंड 21 साल की उम्र में जिस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो जिंदगी कैसी होती है 21 साल के लड़के की, आप सब लोग जानते हैं, कनेक्ट करिएगा. मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, लंबी स्टोरी को शॉर्ट करूं तो मैं इतना बोलूंगा, आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप पैसों को लेकर फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप परिवार को लेकर फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम आप बिजनेस को लेकर फेस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आज से 7 साल पहले शुरू हो गई थी. ओके, और जो कुछ भी, आई डोंट नो आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको टीम के लेकर प्रॉब्लम चल रही है, कंपनी प्रोडक्ट्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम मैं या जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आज जित चंचल सर हो गए, आशीष सर हो गए आपका टीम में, जीत साहब हो गए, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वो ये सारी प्रॉब्लम कई साल पहले फेस कर रहे थे. तो जो कुछ भी आज आप फेस कर रहे हो, मैं 7 साल पहले ऑलरेडी फेस करना शुरू कर दिया था. और आज जैसा मैं जिंदगी जी रहा हूँ फ्रेंड्स, जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट हुआ, ज्यादा कुछ बड़ा अचीवमेंट तो नहीं हुआ, बिकॉज चंचल सर के सामने अपना अचीवमेंट बताना तो मुझे ऐसा लगता है सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा है. सो आई डोंट वॉन्ट टू उसके डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिंपल शॉर्ट ये बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी आज आप अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं ना सर,
वो सारी चीजें हम 7 साल पहले झेल रहे थे, और आज जो कुछ हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं वो आप अपनी जिंदगी में आने वाले 6-7 साल के बाद एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है सर कि जो कुछ हमने 7 साल तक किया वो आपको भी करना पड़ेगा, जो गलतियां हमने नहीं दोहराई वो आपको भी नहीं दोहरानी पड़ेगी, जो अच्छे काम हमने किए वो आपको भी करने पड़ेंगे। सो अगर आप वो चीज करने के लिए तैयार है तो आने वाले 5-6 सालों में एक दौलत और खुशियों की दुनिया आपका भी स्वागत करने के लिए तैयार है। ओके, सो 21.5 साल की उम्र में इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। 4 भाई है, 4 भाई में सबसे बड़ा मैं हूँ, पापा मम्मी से रिटायर्ड थे, और आप जानते एक मिडिल क्लास बच्चे की जिंदगी कैसे चलती है, वैसी जिंदगी मेरी भी चल रही थी। ये बिजनेस जब मेरी जिंदगी में आया था तो लिटरली मेरी जेब में सिर्फ 7 रुपए थे जब ये प्रेजेंटेशन देखने को मैं गया था, एंड एक 3200 रुपए का साइकिल था जब ये प्रेजेंटेशन देखने को मैं गया था, एंड सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें देखने के बाद इतना क्लियर हो गया था, अंकित अगर बड़ा आदमी बनना है तो यहां से हो सकता है, एक साधारण नौकरी करके तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ओके, बिजनेस बहुत शानदार लगा था, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पता लगी थी, इतना पता लग गया था कि यहां से मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा था एक 4th पास बंदा कमाल का अचीवमेंट कर रहा था, मैंने देखा एक 9वीं पास बंदा लाखों रुपए कमा रहा था, मैंने देखा एक ड्राइवर आज BMW और मर्सिडीज का मालिक है, और मैंने ये देखा अगर ये सारे लोग अपनी जिंदगी में इस बिजनेस की वजह से इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं तो थोड़ा कुछ अचीवमेंट भी मैं कर सकता हूं। कितने लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे? अगर एक 4th पास बंदा लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा सकता है, एक 9वीं पास बंदा लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा सकता है, एक ड्राइवर इस बिजनेस की वजह से BMW और मर्सिडीज में घूम सकता है, तो क्या आप और हम अचीवमेंट नहीं कर सकते? टाइप यस, अगर कर सकते प्लीज मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बोली थी, लेकिन बॉस क्या कहते हैं, एक 21 साल के लड़के के पास पता क्या होता है? सपने होते बड़े बड़े, पैशन होता है उनको पूरा करने का, उसके पास जिद भी होती है, कनेक्शंस भी होते हैं, हर चीज होती है, मेहनत भी करना चाहता है, लेकिन बेचारा एक जगह पर आकर पीछे रह जाता है, एक जगह पर आकर पीछे रह जाता है। कोई लिखेगा, कोई टाइप करेगा, एक जगह पे आके पीछे रह जाता है। यस, समा मैडम ने सही पकड़ा है, मनी, पैसा, पैशन भी है, ड्रीम्स भी है, कुछ करना भी चाहते हैं, सैक्रिफाइसेस भी करना चाहते हैं, एफर्ट भी डालना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता। तो मेरे पास भी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो पैसा नहीं था। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट पर पैसा उठाया, बिकॉज घर वालों ने साफ मना कर दिया था पैसा देने के लिए, घर वालों ने बोल दिया था कि आड़ी टेढ़ी जगह पे हाथ नहीं डालना है, फालतू काम है, यहाँ करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने एक इंटरेस्ट पर पैसा उठाकर 3 IDs से आज से 7 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, और आज जब 7 साल के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ दोस्तों, तो मैं इतना कह सकता हूँ उस एक डिसीजन ने जगदीश भाई मेरी जिंदगी को आज 360 डिग्री बदल चुका है। एक सिंपल से डिसीजन ने मेरी जिंदगी को आज 360 डिग्री बदल चुका है। एंड लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करूंगा, और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, लोग जो 57 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में अपनी जिंदगी में साधारण नौकरी करके अचीवमेंट कर पाते हैं, वो इस खूबसूरत बिजनेस की वजह से मुझे 26-27 साल की उम्र में मिल चुका था। आप चाहे घर की बात करें, चाहे गाड़ी की बात करें, चाहे बैंक बैलेंस की बात करें, चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, और बहुत सारे शानदार लोगों के साथ कनेक्शन की बात करें, वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में 26 साल की उम्र, 27 साल की उम्र में हो चुकी थी। और आज मैं आपके साथ, मैं ये आपको वादा नहीं करूंगा, जैसा भी सर ने बोला, हमारे उसने बोला कि आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही चीज बोली, लेकिन मैं आपको एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकता, मैं आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकता तब तक जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए। बिकॉज अगर मेरे चाहने से आपकी जिंदगी में बदलाव हो जाता ना जगदीश भाई, अगर दूसरों के चाहने से अपनी जिंदगी में एक बदलाव हो सकता ना, तो इस दुनिया में एक श्री कृष्ण बहुत थे, इस दुनिया में एक ईसा मसीह बहुत थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलकर गए, अपनी जिंदगी में क्या बदलाव आया। मैं सिर्फ आपके साथ वो कुछ चीजें शेयर करूंगा जो आपकी मदद कर सकती हैं आपके बिजनेस को 10x 100x की ग्रोथ करने के लिए। उन पे इंप्लीमेंट करना है, उन चीजों पर काम करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उदय भाई सहमत है इस बात से? कांता सर सहमत है इस बात से? सर सहमत है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा सा हम लोग अगर इंटरेक्ट करेंगे ना तो मजा आएगा आज के सेशन में 2 घंटा, अदरवाइज टाइम निकल जाएगा, हम कुछ आज के सेशन से ले नहीं पाएंगे। ओके, सो आज हम लोग उन चीजों के बारे में बात करने हैं जिनमें से कुछ चीजें आपने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देखी होंगी, और आज मैं उन सब चीजों को एक साथ लाकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनूंगा, या कभी कभी डाउट आता है क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनूंगा? कोई है यहाँ पर? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनूंगा? प्लीज कितने लोग हैं? जितेन भाई बोल रहे हैं मैं बनूंगा, संजय सर बोल रहे हैं मैं बनूंगा,
फटाफट 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 499 लोगों में से कुछ लोगों के मैसेज आए, बाकी 500 लोग सिर्फ अपने को देख रहे या फिर वीडियो ऑन करके जा चुके, मुझे नहीं पता कैमरा ऑन है कि नहीं है। ओके, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम आप हो या मैं हूँ, इनिशियल डेज में मेरे साथ भी, शायद बहुत सारे टॉप लीडर्स के साथ भी, इनिशियल डेज में वो पहले एक साल में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमारे माइंड में डाउट आते हैं, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग समीर बन पाऊंगा, क्या मैं बड़ा पैसा कमा पाऊंगा, क्या मैं चंचल सर की तरह 5-5 आईडीज को सीलिंग पे पहुंचा पाऊंगा, क्या मैं शंकेश वायल सर की तरह 3 आईडी पे आईटी से पहुंच पाऊंगा, क्या मैं हरीश शेट्टी सर की तरह 2 आईडीज को डायमंड पे पहुंचा पाऊंगा, क्या मैं भी कभी राजेश यादव सर की तरह मैं पोर्शे गाड़ी ले पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे डाउट इनिशियल डेज में हमारे साथ आते हैं, हम सबके साथ होता है, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, आज भी हो रहा होगा, अगर आज नहीं हो रहा तो आने वाले टाइम में कुछ परिस्थितियों की वजह से वो डाउट हो सकता है। ओके, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। सो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है यही, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बनूंगा। आज का टॉपिक मेरा है कि क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बनूंगा, और 21 ऐसे पॉइंट्स हैं, वो 21 के 21 पॉइंट्स को मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं आज आपके साथ सिर्फ 10 पॉइंट शेयर करूंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सेशन 4 घंटा हम लोग चला पाएंगे, और आई डोंट थिंक सो कि आज 4 घंटा बहुत सारे लोग बैठेंगे भी। नेक्स्ट टाइम कभी चंचल सर मौका देंगे तो बाकी 11 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। सो वो 21 पॉइंट्स, अगर वो चीजें अपने अंदर हुई तो हम नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनेंगे, अगर वो नहीं हुई तो हम शायद कितनी भी मेहनत कर ले नहीं बन पाएंगे, टाइम लग जाएगा। ओके, उनमें से आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। प्लीज अगर आपके पास डायरी है तो तैयार हो जाइए, डायरी नहीं है तो प्लीज आप A4 पेपर उठा लीजिए, कुछ तो उठा लीजिए लिखने के लिए, बिकॉज ये जो 10 पॉइंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 10 पॉइंट आपको बहुत काम आने वाले हैं अपनी टीम की काउंसलिंग के लिए, अपनी टीम की मीटिंग्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। ओके, सो विद योर 25 ईयर्स, आप सब लोगों की 25 ईयर्स के साथ मैं आज के सेशन की ऑफिशियली शुरुआत करने वाला हूँ, और उसका टॉपिक है क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनूंगा, और उसमें मैं आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो इफ यू आर रेडी से यस, 25 इयर्स के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। उसमें पहला पॉइंट जो ये डिसाइड करेगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वो ये है, हर वो बंदा जो आज सेशन को अटेंड कर रहा है, नहीं अटेंड कर रहा है, चाहे वो जूम पर है, यूट्यूब पर है, ओके, क्या चीज डिसाइड करेगी कि हम इस बिजनेस में अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसमें पॉइंट नंबर 1 नहीं, पॉइंट नंबर 10 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 10 है जो ये डिसाइड करेगा कि हम इस बिजनेस में अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो ये है, क्या माय लाइफ को आप माय बिजनेस समझते हैं। जो भी बंदा माय लाइफ को माय बिजनेस समझता है, वो बंदा इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाएगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करेगा। जो बंदा माय लाइफ को माय बिजनेस नहीं समझता है, वो इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। आपने कई बार सुना होगा हमारे मेंटर्स को, कई बार सुना होगा हमारे मैनेजमेंट को एक दो शब्द बोलते हुए, मारो धंधो। ओके, जो लोग इस बात से अग्री करते हैं प्लीज आप तब तक चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। मारो धंधो। फ्रेंड्स होता क्या है, आज 75 ईयर हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, आज 75 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में, आज 26 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस ही नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक स्कीम है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंबर बनाने का काम है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोगों को प्रोडक्ट बेचने का काम है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सेल्स का काम है, ओके, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जिनके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए वो ये काम करते हैं, ओके, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट सबका होता है, लेकिन आप अपने को उनकी तरह रहना है या अपने को बदलना है। बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने फैसला तो ले चुका है इस बिजनेस में आने का, हम लोगों ने फैसला तो ले चुका है इस बिजनेस में आकर पैसा कमाने का, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट इस बिजनेस के लिए ऐसा नहीं हुआ, अगर हमने इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं माना, फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हम इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट, बड़ा पैसा और अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड अगर 100 लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, 100 में से 80% लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन हो चुका हूं, मैं इसका मेंबर बन चुका हूं, मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता हूं, इस वजह से वो वैसा ग्रोथ नहीं कर पाते। ओके, आज नेटवर्क इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड दोस्तों 75 ईयर हो चुका है, और 75 ईयर में आज 150 से ज्यादा
कंट्रीज में ये इंडस्ट्री काम कर रही है, 75 इयर्स हो चुका है, 150 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। एंड अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं तो 13 ये लगभग 14 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड का, 14 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड का। हर साल में 14 लाख करोड़ का टर्नओवर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में करती है, उसके बाद भी लोगों को ये बिजनेस नहीं लगता। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, सर आपकी बात तो सही है लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को ये बिजनेस नहीं लगता है? हर चीज लीगल है, आज 150 देशों में काम चल रहा है, आज पिछले 75 सालों से काम कर रहा है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर ये इंडस्ट्री कर रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया है, फिर ऐसा क्यों है कि लोगों को ये बिजनेस नहीं लगता? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आप में से बहुत सारे लोग ये प्लान में भी शेयर करते हो। सबसे पहला रीजन है लोगों को ये बिजनेस मारो धंधो क्यों नहीं लगता है, एक बिजनेस क्यों नहीं लगता है, सबसे बड़ा रीजन और पहला रीजन है ये, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस 10,000 रुपए में मिल जाता है, इसलिए लोग इसको बिजनेस ही नहीं समझते। इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ 10,000 रुपए में मिल जाता है, इसलिए लोग इसको बिजनेस ही नहीं समझते। एक बिजनेस जिसको आप किसी कमरे में ऑपरेट करके इंडिया में किसी भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उसको लोग बिजनेस ही नहीं समझते। एक बिजनेस लोगों को क्यों नहीं लगता? क्योंकि ना आपके पास कोई दुकान है, ना आपके पास कोई नौकर चाकर है, ना आपको बिजली का बिल भरना है, ना आपको किसी को तनख्वाह देना है, ना आपको फैक्ट्री खोलना है। ये सब चीजें जब आपको करनी नहीं है तो एक समझदार इंसान को बिजनेस कैसे लगेगा? उसकी गलती नहीं है, लेकिन बिजनेस का जो बचपन से अपने को बताया गया है, स्कूल कॉलेज रिलेटिव सोसाइटी ने जो बताया गया, वो तो यहाँ पर होता ही नहीं है। कि ना आपको लाखों रुपए लगाने हैं, ना करोड़ों रुपए लगाने हैं, ना आपको बड़ा रिस्क लेना है, ना आपको फैक्ट्री खोलना है, ना आपको आउटलेट खोलना है, ना आपको लोगों को तनख्वाह देनी है, ये सब चीजें आपको करनी नहीं है, तो लोगों के माइंडसेट में जाता ही नहीं है बिजनेस है। और वो सारे फायदे जब किसी को हम 10,000 रुपए में दे देते हैं, उसके बाद बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद डिस्काउंट पर दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुझे एक बिजनेस करने का मौका मिला है, उस बंदे का दिमाग कैसे काम करेगा भाई? वो आपके कहने पर बिजनेस में तो आ जाएगा लेकिन उसको लगेगा ही नहीं ये बिजनेस है, उसको लगेगा ये नहीं है बिजनेस है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोगों को लगता ही नहीं कि बिजनेस है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज अपने को माननी पड़ेगी, आज के टाइम पर इन 21st सेंचुरी जो नहीं दिख रहा है वो सबसे बड़ा बिजनेस है, जो नहीं दिख रहा है वो सबसे बड़ा बिजनेस है। आज जमाना बदल चुका है और आप और हम उस जमाने को बहुत तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं। कई साल पहले अपने को ऐसा लगता था कि गाड़ियों का मालिक होने के लिए गाड़ी का होना जरूरी है, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ी ओला के मालिक के पास है लेकिन उसके पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है। कई साल पहले हमें ऐसा लगता था कि रेस्टोरेंट का मालिक होने के लिए रेस्टोरेंट का होना जरूरी है, लेकिन आज स्विगी और जोमेटो का इंडिया में खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट उन्हीं के पास है। दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, अगर हम उस दुनिया के साथ साथ अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। शायद अपना हाल वही होगा जो नोकिया का हुआ, शायद अपना हाल वही होगा जो HMT घड़ी का हुआ, शायद अपना हाल वही होगा जो कोडैक कैमरास का हुआ, शायद अपना हाल वही होगा जो एम्बेसडर गाड़ी के साथ हुआ। इस बदलती दुनिया के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। ये एक बिजनेस करने का नया तरीका है, नए जमाने का नया बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग हर बंदा क्यों नहीं समझता, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर कोई मुझसे पूछता है ना व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं सिंपल वर्ड्स में उसको बोलता हूं, मैं सिंपल वर्ड्स में उसको बोलता हूँ, भैया नेटवर्क मार्केटिंग बदलती हुई दुनिया का बदलता हुआ बिजनेस है, और इस बिजनेस को वही करेगा जो बदलने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बदलती हुई दुनिया का बदलता हुआ बिजनेस है, और इस बिजनेस को वही करेगा जो बदलने के लिए तैयार है। और 90% लोग दुनिया में, 80-90% लोग, दे आर नॉट रेडी टू चेंज, वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कैसे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स को अपनाकर मैं इंडिया में अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ, कैसे बिना दुकान के बिना आउटलेट के मैं अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ। दैट इज वाई इस बिजनेस में आने के बाद भी वो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में आने के बाद वो निकल जाते हैं। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वो नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र के किनारे तो आ जाते हैं, उसमें एक दो कदम रख देते हैं, लेकिन उनके साथ यही होता है, हाथ को आया लेकिन मुंह ना लगाया, जस्ट बिकॉज वो अपना माइंडसेट नहीं बना पाते, जस्ट बिकॉज वो इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते। ईमानदारी के साथ मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे सवालों का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। कितने लोग आज यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी ऐसा लगा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है? प्लीज से यस, प्लीज से यस। आज के बाद वो सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा।
आज के बाद वो माइंडसेट को थोड़ा बदलना पड़ेगा फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए सोचेगा, एक बंदा जो 10 लाख रुपए लगाता है, 20 लाख लगाता है, 50 लाख रुपए लगाता है, 1 करोड़ रुपए लगाकर एक धंधा शुरू करता है, 1 करोड़ रुपए लगाकर एक धंधा शुरू करता है, क्या उसके परिवार वालों को उसको कन्विंस करना पड़ेगा, जा बेटा जा दुकान खोल, जा बेटा जा, कोई बात नहीं, लॉकडाउन आ गया, 6 महीना हो गया, कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन बराबर किराया देते रहे, 6 महीने के बाद आमदनी होगी? नहीं, कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। वो बंदा ऑटोमेटिकली, उसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए लगाए तो उसको बिजनेस की तरह देखेगा, ओके, बिकॉज उसको उसके बिजनेस से प्यार होता है। हम इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं और हम इस बिजनेस को जब अपना बिजनेस नहीं मानते तो ये बिजनेस हमें वो सब नहीं देगा जो दे सकता है। और मेरा सिंपल सा एक मानना है, जैसा हम लोगों को ट्रीट करेंगे वैसा लोग अपने को ट्रीट करेंगे, जैसा हम अपने धंधे को ट्रीट करेंगे ये धंधा भी हमें वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर हमने अपने धंधे को ट्रीट किया कि ये धंधा में दम नहीं है तो धंधा हमें दम नहीं देगा। अगर हमने अपने धंधे को ट्रीट किया धंधे से पैसा नहीं आएगा तो धंधा अपने को पैसा नहीं देगा। जैसा हम इस बिजनेस को ट्रीट करेंगे वैसा ये बिजनेस अपने को ट्रीट करने वाला है। सो लास्ट में इस पॉइंट पे मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर विराट कोहली को क्रिकेट से प्यार नहीं होता तो वो विराट कोहली नहीं बन पाते, अगर लता मंगेशकर को सिंगिंग से प्यार नहीं होता तो वो लता मंगेशकर नहीं बन पाती, अमिताभ बच्चन साहब को अगर एक्टिंग से प्यार नहीं होता तो वो अमिताभ बच्चन नहीं बन पाते, चंचल सर को अगर नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार नहीं होता तो वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर नहीं बन पाते। और अब बारी आपकी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस को से प्यार नहीं हुआ, अगर आपने इस बिजनेस से को अपना बिजनेस नहीं माना, आई एम सॉरी टू से आप इस बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप लोग आज के बाद इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानने के लिए तैयार हैं? इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानने के लिए तैयार है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा मारो धंधो, मारो धंधो, मारो धंधो लिखिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपसे आप लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानने के लिए तैयार है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 10 सॉरी, कि हम लोग आज से इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानेंगे। आज से इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानने के बाद हमें जो 9वीं चीज जिस पर ध्यान देना है, आगे अगली नेक्स्ट स्टेप जिस पर ध्यान देना है वो ये है, हमने इस बिजनेस को अपना बिजनेस तो मान लिया, हमने डिसाइड कर लिया आज के बाद जो कुछ भी होगा वो इस बिजनेस से ही होगा, आज के बाद जिंदगी आबाद होगी तो इस बिजनेस की वजह से, और अगर बर्बाद भी होगी तो इस बिजनेस की वजह से, आज के बाद गाड़ी आएगी, घर आएगा, घोड़ा आएगा, सक्सेस मिलेगी तो इस बिजनेस की वजह से, अगर नहीं भी मिली तो इस बिजनेस की वजह से, वो हमने एक बोलकर हमने इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और वो है, हम इस बिजनेस में कामयाब बनेंगे, अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो इस चीज पर डिपेंड करेगा, क्या इस बिजनेस में आने के बाद हमने अपना पर्पस, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स बनाए, अपने पर्पस, अपने ड्रीम्स और अपने गोल बनाए। अगर बिजनेस को बिजनेस मान लिया उसके बाद आपके पास अगर कोई मजबूत कारण नहीं हुआ, मजबूत पर्पस नहीं हुआ, आपके पास अगर ड्रीम्स नहीं हुए और गोल्स नहीं हुए तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ध्यान से सुनेगा, आप किसी भी टॉप लीडर को मिलिए, चाहे वो ITC है, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो रॉयल डायमंड है, चाहे वो NTC है, CTC, कोई भी है, आपको मिलेगा उनके पास एक पर्पस है, उनके पास ड्रीम थे जिनको उनको पूरा करना था और उनके पास वो गोल्स थे उन ड्रीम्स को कैसे उनको पूरा करना था। सो पॉइंट नंबर 9 इज दैट पर्पस, ड्रीम्स, गोल्स अगर अपने पास है तो हमें इस बिजनेस में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत अपने को अमीर नहीं बना सकती। ओके, कितने लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी ने कभी ना कभी, जब आप प्लान दिखाने गए हैं, क्लोजिंग करने गए हैं, फॉलो अप करने गए हैं, तो आपको लोगों ने कहा है कि इस बिजनेस में जुड़ने से कुछ नहीं होगा? प्लीज से यस, प्लीज से मी 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 एम ई मी, प्लीज से मी एम ई मी। कितने लोगों को यहाँ पर लोगों ने कहा है कि इस बिजनेस में जुड़ने से कुछ नहीं होगा? आप जवाब दीजिएगा, क्या उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, क्या उन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, राइट और रॉन्ग? राइट लगता है तो आर लिखेगा, रॉन्ग लगता है तो डब्ल्यू लिखेगा, राइट लगता है तो आर लिखेगा, रॉन्ग लगता है तो डब्ल्यू लिखेगा। उर्वी मैम बोल रही हैं गलत कहा है, राकेश कुमार बोल रहे हैं गलत कहा है, राजेश कुमार सर बोल रहे हैं गलत कहा है, फटाफट करेगा, अमरपाल साहब बोल रहे हैं सही गलत कहा है, रश्मि मैडम बोल रही है गलत कहा है। ओके, फिर इस बिजनेस में जुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली इन्होंने गलत नहीं, उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, 100% सही है वो बंदा जिसने आपको बोला है इस बिजनेस में जुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, जितनी जल्दी मान जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जुड़ने से ना आपको, ना मुझको, ना किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन तक अपना मकसद इस बिजनेस के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मकसद बोले तो मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं,
मैं लोगों की नाक क्यों सुन रहा हूँ, मैं हर दिन फील्ड पे 8 घंटा पसीना क्यों बहा रहा हूँ, मैं टीम के साथ काउंसलिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों की नाक सुनने के बाद भी 11वें 12वें 13वें 14वें लोगों से मिलने के लिए क्यों जा रहा हूँ, क्यों, रीजन, रीजन मकसद क्या है ये बिजनेस करने के पीछे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, पर्पस बोले तो रीजंस, और रीजंस ही रिजल्ट को पैदा करते हैं। जब तक अपने पास रीजन नहीं है तब तक रिजल्ट्स पैदा नहीं हुएंगे, रिजल्ट्स पैदा नहीं हुएंगे। और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है वो ये बिजनेस में कर क्या रहे हैं, पता ही नहीं होता है वो इस बिजनेस में आए क्यों नहीं है, और इसी वजह से वो सारे स्टेप्स करते ही नहीं है जो करने चाहिए। अपलाइन बोलता है मीटिंग में आने के लिए, आते ही नहीं है क्योंकि रीजन ही नहीं है क्यों मीटिंग में जाना है, क्यों वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। अपलाइन बोलता है 250 लोगों की लिस्ट बनाओ, बनाते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रीजन ही नहीं है उनको क्यों बनाना है। अपलाइन बोलता है क्लोजिंग करो, फॉलो अप करो, फील्ड पे जाओ, ट्रेनिंग अटेंड करो, नहीं करते लोग, रीजन नहीं है, रीजंस नहीं है। और जब तक रीजंस नहीं है तब तक रिजल्ट्स पैदा नहीं होंगे। सो अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं, अपने आप से पूछिए मेरा वाई क्या है, मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैंने क्यों अपने दोस्त के कहने पे 10-20-30-50 हजार से इस बिजनेस को साइन अप किया है, कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा क्यों मैंने शुरू किया, वो पूछिए, वो अपने आप से पूछिए, खुद से बात करिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यू स्टार्टिंग दिस बिजनेस। किसी का रीजन हो सकता है कि मुझे, मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किल से पाला पोसा, मुझे उसको एक शानदार घर में रखना है। किसी का रीजन हो सकता है मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी हमारी पढ़ाई के पीछे, मुझे अपने पिताजी को वर्ल्ड टूर करवाना है। किसी का रीजन कुछ और हो सकता है। रीजन इज समथिंग जो आपके दिल से जुड़ा हो, रीजन इज समथिंग जो इमोशनल हो, और हर बंदे के साथ कोई ना कोई इमोशनल पर्पस होगा, इमोशनल रीजन होगा कि उसको वो काम क्यों करना है। आप सबके पास होगा, होगा नहीं तो बना लीजिए। आप इस बिजनेस में क्यों आए, आप इस बिजनेस में क्यों, सबका अलग अलग होगा। मेरे पास मेरे अलग रीजंस हैं, आज चंचल सर के पास उनके अलग रीजंस हैं, आपके अप्लाइंस आशीष सर हो गए, जीत सर हो गया, जो भी हैं, उन सब के पास अलग अलग रीजंस हैं। और अगर हमारे पास रीजंस हुए नहीं दोस्तों, तो हम वो स्टेप्स कभी ले ही नहीं पाएंगे जो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। पहला है रीजन, दूसरा है ड्रीम्स, दूसरा है ड्रीम्स। आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, और आप इस बिजनेस में क्या हासिल करने के लिए आए, आपके ड्रीम्स। ओके, बहुत सारे लोग होंगे, हम सब लोग बचपन से लेकर आज तक हमने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर बहुत बड़े बड़े सपने देखे। आज कोई होगा, अभी जैसे आशीष भाई है, उनका MG हेक्टर का सपना पूरा हुआ 1-2 महीने पहले, उनका एक सपना था। आज चंचल सर इतने बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे कर रहे, कभी उनके लिए भी वो एक सपना था। जब हम इस बिजनेस में आते हैं और अपने ड्रीम्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं ये रैंक पे पहुंचूंगा, मैं इतनी बड़ी टीम बनाऊंगा, एक दिन मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में होगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जब हम ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग हमें क्या बोलते हैं, हाँ भाई जरूर तू कर सकता है। ऐसा कितने लोग के साथ हुआ है, आपने अपने ड्रीम्स लोगों के साथ शेयर किए और वो लोग बोलते हैं यस 100% आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। कितने लोगों ने आपको ऐसा बोला है, कुशल भाई बोल रहे पापा को थाईलैंड टूर कराना, बहुत कम लोगों को लोगों ने बोला है। अदरवाइज बहुत सारे लोग बोलते नहीं भैया तुझसे नहीं होगा, लोग बोलते स्प्लेंडर से चलकर आ रहा है और हमें ऑडी मर्सिडीज BMW के सपने दिखा रहा है, लोग बोलते हैं खुद तो पैदल चल रहा है और हमें बता रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लोग बोलते हैं भैया खुद तो अभी तक इसके साथ 2 लोगों की टीम नहीं बनी और अपने को बोल रहा है कि भैया आपकी टीम बनाएगा, राइट। तो बाहर में जो मार्केट में जो लोग है ना, जो 90% 80% आते हैं, तो वो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो हमें ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते। तो दूसरी चीज जो मैंने आपको ड्रीम बताई, इसके साथ आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहले आपको वो सारे सपने जो पूरे करने हैं, आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके भाई के, आपके बहन के, कोई भी सपने हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या ड्रीम है, वो सारे सपने आपको लिखने पड़ेंगे। आपके अप्लाइंस ने आपको DTPs में बेसिक सेशन में सारी चीजें बताई होंगी। मैं आपको एक एडिशनल चीज बताने वाला हूँ, वो सारे सपने छोटे हैं बड़े हैं मुझे नहीं पता। किसी का एक साइकिल का सपना हो सकता है, किसी का बाइक का हो सकता है, किसी का कार का हो सकता है, किसी का प्लॉट का हो सकता है, बहन की शादी का हो सकता है, भाई की एजुकेशन का हो सकता है, वो कोई भी सपना हो सकता है। You have to protect your dream. वो सपने को ना ये दुनिया के लोगों से आपको बचाना पड़ेगा।
वो सपने को, प्राइवेट जेट का किसी का सपना है, वो सपने को ना वही दुनिया के लोगों को से आपको बचाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बोलोगे एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे देखो भैया साइकिल पे चलता बोल रहा है, लोग बोलेंगे देखो भैया साइकिल पे चलता है बोल रहा है, BMW लेकर आऊंगा। आप बोलोगे एक दिन मैं अपनी मम्मी को वर्ल्ड टूर कराऊंगा, पापा को वर्ल्ड टूर कराऊंगा, बोलता देखो भैया आज तक इसने अपने आगरा का ताजमहल अपने मम्मी पापा को नहीं दिखाया, वर्ल्ड टूर की बात कर रहा है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम, अपने सपनों को बचाना पड़ेगा, अपने सपनों को बचाना पड़ेगा। अगर हमने अपने ड्रीम्स को नहीं प्रोटेक्ट किया, कई बार बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लोग हंसते हंसते आपको बिजनेस से निकाल देते हैं। क्या शर्मा जी आप भी इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी चल रही है आपकी और आप भी ये मेंबर बनाने वाले धंधे में उतर गए, हमको आपसे उम्मीद नहीं थी। इतना बोलकर बहुत सारे लोग आपके सपने को चुरा लेंगे, और ये चुराने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होने वाले, ये चुराने वाले लोग अपने घर के ही होने वाले, ये चुराने वाले लोग आपके फ्रेंड सर्कल के ही होने वाले, ये सपना चुराने वाले लोग आपके रिश्तेदार होने वाले, आपके दोस्त लोग होने वाले, पड़ोसी होने वाले, इन सब लोगों से ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है। हम सब लोग बोलते हैं ना, हमारे पास तो आज बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं कि ये बिजनेस आपके परिवार को सुरक्षा देगा। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, ये बिजनेस आपके परिवार को सुरक्षा देगा, सहमत है ना? ये बिजनेस हमारी फैमिली को एक सिक्योरिटी देता है ना, ऑल ऑफ अस अग्री, हम सब लोग अग्री, बिजनेस हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी देता है। लेकिन ये बिजनेस हमारे परिवार को सिक्योरिटी देगा, उसके लिए पहले अपने परिवार से ही इस बिजनेस को बचाना पड़ेगा। क्योंकि जगदीश भाई परिवार वाले सबसे पहले ये बिजनेस को खत्म करने के लिए रेडी रहते हैं, परिवार वाले मम्मी पापा भाई बहन ये सब लोग अपनी तरफ से अपना पूरा 100% लगा देते हैं कि आपको ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, राइट? तो आप अगर चाहते हो कि ये बिजनेस आपके परिवार को सुरक्षा दे, मनोज रजक भाई, तो सबसे पहले अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से इस बिजनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये प्रोटेक्ट हो गया तो ये वो सारी चीजें करें। ओके, सो सेकंड थिंग, हमने पर्पस आपको बनाना पड़ेगा, ड्रीम्स, एंड थर्ड थिंग इज गोल्स। अगर ये तीन चीज अपने पास है तो हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं। गोल्स के बारे में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए बताइएगा। मनोज भाई, अगर मैं आपको एक लेटर दे दूं और उस पर कोई एड्रेस ना दूं तो वो लेटर कहां जाएगा? मनोज रजक भाई, मैं आपको एक लेटर दे दूं और उस पर कोई एड्रेस ना दूं, आप उस लेटर को कहीं पहुंचा सकते हैं? जिस तरीके से बिना एड्रेस के लेटर कहीं नहीं जाएगा, जिस तरीके से बिना लेटर के एड्रेस कहीं नहीं जाएगा, बिना रडार के शिप कहीं नहीं जाएगा, बिना कंपास के प्लेन कहीं नहीं जाएगा, उसी तरीके से अपनी जिंदगी बिना गोल्स के कहीं नहीं जा सकती। बिना गोल्स के एक बिलियनियर है, ऑयल बिलियनियर, उनका नाम है एचएल हंट। एचएल हंट से पूछा गया, मतलब 20th century में वो अमीर बने थे, उनसे पूछा गया, सर आप तो आप ऑयल में बिलियनियर बन चुके हैं, लेकिन आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर किसी को भी अपनी जिंदगी में आपकी तरह सफलता पानी होगी तो उसको क्या करना चाहिए? उन्होंने दो चीजें कही, पहली चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, दूसरी चीज आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। उन्होंने पहली चीज कही, अगर आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो वो पहली चीज जो उसके पास होना चाहिए वो है क्लियर गोल्स। उस बंदे को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में क्लियर कट क्या क्या चीजें चाहिए और कब तक चाहिए। ये चीज पहली अगर हमें पता है तो हम सफलता की तरफ बाकी लोगों से तेज दौड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने बताई थी, जो पता होनी चाहिए अपने को, और वो यहाँ पर आ जाता है पॉइंट नंबर 8, और वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और वो है पे द Price. दूसरी चीज उन्होंने बोली वो ये थी, आपके पास एक गोल होना चाहिए क्लियर कट कि अपने को जिंदगी में क्या चाहिए, और दूसरा उस गोल को हासिल करने के लिए हम क्या क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है आप सब लोग को? आवाज एंड वीडियो बराबर है क्या सर? प्लीज जो भी हो, यस 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 सर, प्लीज लेट मी नो सर अगर कहीं पे भी कुछ इशू रहेगा। सो पे द प्राइस फर्स्ट, पे द प्राइस फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज आप जाओ ना किसी दुकान पर अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट लेने के लिए, या वाइफ के लिए एक गोल्ड रिंग लेने के लिए, या अपने मम्मी के लिए कुछ चीज लेने के लिए, एक पिन से लेकर ना एक प्लेन तक हर चीज की जब अपन कीमत चुकाएंगे ना तभी वो चीज अपने को मिलेगी। क्या इतना क्लियर है? हम जब किसी चीज की कीमत चुकाएंगे तो वो चीज अपने को मिलेगी, अगर कीमत नहीं चुकाएंगे तो वो चीज अपने को मिलने वाली नहीं है। सो आज के टाइम पर ना इंसान एक
पिन का कीमत चुका रहा है, प्लेन की टिकट का कीमत चुका रहा है, टॉफी का कीमत चुका रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है उसकी कीमत चुका रहा है, आप मुझे बताइए क्या सक्सेस की कोई कीमत नहीं होगी? क्या सक्सेस आपसे कोई कीमत नहीं मांगेगा? आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 देकर इस बिजनेस में आ जाएंगे यार, ये कीमत तो कोई भी चुका सकता है। आज एक साधारण गुमटी वाला बंदा लाख रुपए लगाकर बिजनेस को चालू कर रहा है, एक मूंगफली का ठेले वाला 40-50,000 रुपए लगाकर धंधे को चालू कर रहा है, एक पंचर वाला भी लाख रुपए लगाकर बिजनेस को चालू कर रहा है। सो आपको अगर ऐसा लगता है कि 10-20,000 या 30,000 के प्रोडक्ट्स अपना लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं भैया वो कोई बड़ी कीमत नहीं है, वो तो एक स्टार्टिंग अमाउंट है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा अमाउंट है आप उस चीज का इस्तेमाल करके, उस अमाउंट का इस्तेमाल करके, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, सिस्टम का इस्तेमाल करके क्या क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है अपने सक्सेस को पाने के लिए, क्या क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार है? यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट, यू हैव टू पे द प्राइस फर्स्ट। और बहुत सारे लोगों के साथ पता है क्या होता है, आयुष भाई मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को मिला, आता है और बोलता है सर मेरे को 2 साल के अंदर एनटीसी बनना है। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, तू कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, ट्रेनिंग ले ली तूने? सर वो मैं 3rd साल में ले लूंगा। ऐसा माइंडसेट है लोगों का, ऐसा माइंडसेट है लोगों का, उसको 2 साल के अंदर एनटीसी बनना है, 2 साल के अंदर सीलिंग लेना है, लाखों रुपए कमाना है। जब बात करते हैं ट्रेनिंग की, सर मैं वो 3rd साल में लूंगा, ये माइंडसेट है लोगों का। चीज पहले चाहिए, सक्सेस पहले चाहिए, कीमत बाद में चुकानी है, फसल पहले काटनी है, बीज बाद में बोना है, फसल पहले काटेंगे बीज बाद में बोएंगे, हो सकता है क्या? कीमत पहले चुकानी पड़ेगी, कीमत पहले चुकानी पड़ेगी। अभी आप डिसाइड करिए, आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या क्या कीमत चुका सकते हैं। से अगर आपको लगता है हर कीमत, क्या क्या कीमत चुका सकते हैं, से आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं आप क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप क्या कीमत चुकाने के लिए, सब कुछ कुशल भाई ने बोला, कोई बोल रहा है कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार, कोई बोलता है कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार, कोई बोलता है कुछ भी, कोई बोलता है एवरीथिंग। और जितने लोग हैं ना, जो कोई बोल रहा है एवरीथिंग, कोई बोल रहा है हर कीमत, कोई बोलता है कुछ भी कीमत, कोई बोलता है जो मांगता है मैं चुकाने के लिए तैयार हूं, जितना मुझसे हो पाएगा, कोई ये बोल रहा है। फ्रेंड्स इनमें से ज्यादातर लोग ये बोलते हैं मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं सर, आई एम रेडी टू पे द प्राइस, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन सर मैं ना, मेरे को ये जूम की मीटिंग करना नहीं आता सर, तो मैं जूम पे नहीं, जूम वाला मीटिंग मुझसे नहीं होगा सर, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं काम करूंगा। कुछ लोग बोलते सर 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 मैं कीमत तो सारी चुकाऊंगा सर, लेकिन सर मैं जब लोग मुझे ना बोलते हैं सर, तो इधर दिल पे लगता है सर, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा सर, तो मैं लोगों की ना नहीं सुन सकता सर। वो सब ठीक है सर, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर दिन में 8-10 घंटा धूप में, बरसात में और ठंडी में सर मुझसे बाहर नहीं निकला जाएगा सर, मुझसे नहीं होगा सर। वो सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, सक्सेस मुझे चाहिए, लेकिन सर ये ट्रेनिंग व्रेनिंग ना सर, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग में फीस देना पड़ता है, हॉल में जाना पड़ता है, 2-3 घंटा बैठना पड़ता है, वही चीजें बार बार सुननी होती सर, वो कीमत मैं नहीं चुका पाऊंगा सर। बाकी तो सारी कीमत मुझे चुकाने के लिए सर मैं 100% तैयार हूं, सक्सेस चाहिए, आप बताओ क्या कीमत चुकानी। और यही लोग होते जो मीटिंग में नहीं आते, यही लोग होते जो ट्रेनिंग में नहीं आते, यही लोग होते हैं जो 100 रुपए की बुक्स के बारे में 100 लेने के बारे में 100 बार सोचते हैं, यही लोग होते हैं। फ्रेंड्स ये सेशन मैंने जस्ट अभी 1 महीने पहले डिजाइन किया था और 15 दिन पहले मैंने अपनी टीम के साथ लिया। इसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, आज चंचल सर की टीम में ना लाखों लोग हैं, सॉरी हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, कितने सारे लोगों से वो मिल चुके होंगे, आपके एनटीसी हैं, आरटीसी, उनकी टीम में भी हजारों लोग होंगे। फ्रेंड्स ये चीज मैंने क्यों डिजाइन करी ना, ये है ये बिजनेस अचीवमेंट और ये है टॉप, ये तो टॉप पे जो जगह है ना दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, ये टॉप पे जो जगह होती है हमेशा कम रहती है, कुछ लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ बहुत सारे लोगों को हम प्लान दिखाते हैं, वो बिजनेस को शुरू नहीं करते, बेचारे यहीं पे रह जाते। कुछ लोग थोड़ी कीमत चुकाते हैं वो 10-20 हजार कमा लेते हैं, कुछ थोड़ी और कीमत चुकाते हैं वो 30-40 हजार कमा लेते हैं, टीसी बन जाते हैं, कुछ और कीमत चुकाते हैं एटीसी बन जाते हैं, कुछ और कीमत चुकाते हैं बीटीसी बन जाते हैं, कुछ एसटीसी बन जाते हैं, कुछ आरटीसी बन जाते हैं, कुछ एनटीसी बन जाते हैं, कुछ सीटीसी बन जाते हैं, कुछ आईटीसी बन जाते हैं, कुछ डायमंड, कुछ रॉयल डायमंड, ऐसा करके जब टॉप पर है ना, यहाँ पर जगह बहुत कम है और यहाँ पर सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि किसी को लगता है कि मैं इतनी कीमत चुका सकता हूँ बेचारा यहीं रह जाता है, किसी को लगता है मैं इतनी कीमत चुका सकता हूँ वो यहीं रह जाता है। और कोई है जो सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है,
एवरीथिंग रेडी टू पे, हर चीज वो पे करने के लिए तैयार है, वो कुछ लोग होते हैं जो टॉप पर बनते हैं, पहुंचते हैं, और उनको हम बोलते हैं चंचल रस्तोगी, उनको हम बोलते हैं हरीश शेट्टीकर, उनको हम बोलते हैं राजेश यादव, उनको हम बोलते हैं हर्षवर्धन जैन, उनको हम बोलते हैं दीपक बजाज सर, उनको हम बोलते हैं मुबीन मोहम्मद सर। ये सब लोग हैं जो सक्सेस के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है, दैट इज वाई दे आर द टॉप। हम लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए सब कुछ, एवरीथिंग हमें चाहिए, लेकिन उसकी कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं है। क्यों मिलेगी अपने को? सर लाइट चली गई है, तो वीडियो भी स्टॉप हो गया है। बंदा है तो सुबह उठता है, एक नहीं उठता है। सक्सेस किसको मिलनी चाहिए? जो हर चीज करनी चाहिए वो उसको, जो कीमत चुका रहा है उसको, या दोनों को मिल जानी चाहिए? अगर दोनों को मिल जाए तो भैया वो जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत तो बेकार है। अगर दोनों को मिल जाए तो वो जो कीमत चुका रहा है उसकी कीमत चुकाना तो बेकार है। आज एक चीज प्लीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, प्लीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस, पे द प्राइस चुकानी पड़ेगी। 2021 में समझ जाएंगे तो 2025 सुधर जाएगा, 2025 में समझेंगे तो 30 सुधर जाएगा, और 2030 में समझे तो 40 सुधरेगा। मर्जी आपकी है, आप कब ये चीज अपने माइंड में डाल लेंगे कि भैया कीमत चुकानी है, कीमत चुकानी है। हजारों लोग हैं सर की टीम में यार, आज 500 लोग हैं जूम पर और कुछ लोग यूट्यूब पर होंगे, क्यों इतने ही लोग? क्यों? जगह कम है, सब कीमत नहीं चुकाएंगे। लोगों को सब कुछ चाहिए लेकिन 2 घंटे का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते, अपने घर पर चाय पीते हुए समोसे खाते हुए नहीं कर सकते, दैट इज वाई वो सक्सेस नहीं मिलती। इस पॉइंट पे मैं आपको लास्ट चीज बोलने वाला हूँ, दुनिया में 2 चीजें होती है, एक होता है पे, एक होता है प्ले, एक होता है पे, एक होता है पे। आपके पास 2 choices हैं, या तो आज कीमत चुकाओ और जिंदगी भर एंजॉय करो, या तो आज कीमत चुकाओ और जिंदगी भर एंजॉय करो, या तो आज एंजॉय कर लो और वो एंजॉय करने की कीमत जिंदगी भर चुकाओ। आप क्या चुनते हो उससे आपकी लाइफ बनती है। एंड मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आज का सुख जिंदगी भर का दुख बन सकता है दोस्तों, और आज का दुख जिंदगी भर का सुख बन सकता है। चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। क्या अगले 5 साल इस बिजनेस में सारी कीमत चुकाकर जिंदगी के 50 साल एंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ सक्सेस को, या फिर आज अगले 5 साल तक एंजॉय करेंगे, जब मर्जी आएगा तब काम करेंगे, जब मर्जी आएगा तब ट्रेनिंग में आएंगे, जब मर्जी आएगा तो अपलाइन की बात मानेंगे, जब मर्जी आएगा तो फील्ड पे जाएंगे। आज अगर हम ये प्ले करते रहना तो जिंदगी भर हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड फैक्ट ये है रमेश भाई, वो कीमत सिर्फ अपने को नहीं चुकानी है भाई, वो कीमत अपने साथ अपने पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी, पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। एक चंचल सर ने अगर कीमत चुकाई ना तो उनका फैमिली और उनका नहीं हो सकता है, और करेगा, 100% श्योरिटी है। अगर आशीष भाई अगर आज कीमत चुका रहे हैं, आज जीत सर अगर कीमत चुका रहे हैं ना, तो उनकी कीमत चुकाने की वजह से उनका पूरा परिवार आने वाले टाइम में एंजॉय करेगा। वन मैन हैव टू पे द प्राइस, एंड टू बी ऑनेस्ट शायद आप ही वो इंसान अपनी फैमिली में जिसको वो सारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सो अगर आप आज के बाद कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, सो से यस, से यस, यस 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 यस। पॉइंट नंबर 8 था, पॉइंट नंबर 7, हम रेडी हैं हर कीमत चुकाने के लिए और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जो अगली चीज अपने को करनी है वो ये है, हैव अ गुरु और मेंटर। अपने पास, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास इस बिजनेस में या अपनी जिंदगी में अगर अपने को सक्सेसफुल होना है तो अपने पास एक सच्चा और अच्छा गुरु या मेंटर होना चाहिए। आपने वो कहावत सुनी होगी, करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोए। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस लाइन अगेन, करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोए। अगर आपके पास एक सच्चा और अच्छा गुरु है ना,
अगर आपके पास एक सच्चा और अच्छा गुरु है, समझ लीजिए दुनिया की, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी चीज आपको मिल गई। बिकॉज बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, उनको एक सच्चा और अच्छा गुरु नहीं मिलता, एक मार्गदर्शक नहीं मिलता जो उनको समय समय पे बता सके भैया ये मार्ग है, ये रास्ता है, इस पे ऐसे चलना है, ये करना है, ये नहीं करना है। लोगों की पूरी माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार पड़ोसी सबको मिलते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता है। अगर आपको वो गुरु का भाग्य मिल चुका है ना, तो प्लीज 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 उसका हाथ मत छोड़िएगा। अगर हो सके तो उसको अपना हाथ पकड़ा दीजिए, बिकॉज मुश्किल दौर पर हो सकता है आप उस गुरु का हाथ छोड़ दें। और ऐसा होता है अपने बिजनेस में, बहुत सारे लोग हाथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपने अपना हाथ अपने गुरु को पकड़ा दिया है, तो टाइम कितना भी खराब हो, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, वो बंदा आपके हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड हम लोग बहुत लकी हैं फ्रेंड्स की, क्योंकि हम बिजनेस वर्ल्ड में देख लें, जॉब में देख लें, गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जो हमें हमारे अच्छे गुरु बन सकते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर 499 लोग हैं, शायद 500 लोग हैं, क्या आप लोग मुझे अपने अपने गुरु का नाम बता सकते हैं? अगले अगले 30 सेकंड आपके, आप अपने अपने गुरु का नाम लिख दीजिए। सुनीता मैडम है गुरु, मुमताज साहब हैं गुरु, श्री राम सर हैं गुरु, चंचल सर है, कितने सारे लोगों के गुरु है चंचल सर, गौरंग साहब है। ओके, आप मुझसे पूछोगे ना मेरे लिए गुरु क्या है, अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे लिए मेरा गुरु एक टाइम मशीन है। मेरे लिए मेरा गुरु एक टाइम मशीन है। टाइम मशीन बोले तो टाइम मशीन क्या होता है फ्रेंड्स, आने वाले 5 साल, आप 5 साल आगे आपको ले जा सकता है, 5 साल आगे आपको ले जा सकता है, 5 साल पीछे ले जाकर आपको आपकी गलतियां बता सकता है, और अब क्या क्या चीजें आप करो कि आप सक्सेस तक जल्दी पहुंच सको, वो सारी चीजें बता सकते हैं। मतलब टाइम मशीन में ऐसा होता है, आप फ्यूचर पास्ट किधर भी जा सकते हैं। सो गुरु ना होता है ये टाइम मशीन के साथ, टाइम मशीन की तरह होता है। उसका रीजन ये है, जो जो गलतियां मैं करने वाला हूं या कर सकता हूं या कर रहा हूं, मेरे गुरु ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे गुरु ऑलरेडी कर चुके हैं, वो घुटने छिलवा चुके हैं। So, अगर मैं कोई चीज करने वाला होऊंगा जो वो गलत है, तो वो मुझे बताएंगे कि अंकित ये गलत है, ये चीज करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, तूने अपनी पिछली गलती करी तो उससे क्या सीखा, तू फिर वही गलती रिपीट कर रहा है। सो गुरु आपका समय बचाता है। अगर आपके पास एक सच्चा और अच्छा गुरु है ना, तो वो हमारा समय बताता है, अदरवाइज हम वही गलतियां वापस रिपीट करते रहेंगे, वापस रिपीट करते रहेंगे, वापस रिपीट करते रहेंगे। ओके, और सीखने के दो तरीके हैं दोस्तों, या तो हम खुद गलती करके सीखें, खुद गलती करके सीखेंगे तो अपना टाइम जाएगा, अपना पैसा जाएगा, अपने को तकलीफ होगी। और ऑलरेडी अगर कोई वो गलती कर चुका है और हमारा वो गुरु है, वो हमें बता देगा भैया ये गलती मत करो, मैं ऑलरेडी कर चुका था, मेरा ये नुकसान हुआ फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, ये गलती मत करो। सो इट सेव्स टाइम्स, अपना बहुत सारा टाइम मिलेगा। लोग पता क्या करते हैं, गुरु भी बना लिया और गुरु बनाने के बाद गुरु बोलता है ऐसा मत करो, वो काम जरूर करते हैं। गुरु बोलते ये मत करो, ये जरूर होगा, गुरु बोलेंगे ये मत करो, ये होगा, गुरु बोलेंगे ये करो, ये नहीं होगा, उल्टा करते हैं। यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपने एक मेंटर नहीं बनाया तो बना लीजिए, और मेंटर बना लिया तो उसको 100% सरेंडर कर दीजिए, 100% सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, उसके हाथ में अपना जिंदगी दे दीजिए। यार आपने अप्लाइंस पर, अपने गुरु पर उतना तो भरोसा करो जितना बीमार होने पे, दवाइयों पे करते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे कभी कभी, लेकिन एक बात है, आपके फायदे के लिए होंगे, आपके फायदे के लिए होंगे। और मुझे मेरे गुरु से ना, मेरे मेंटर से बहुत गालियां मिली हैं, लेकिन वो हर गाली ने, हर गुस्से ने ना मुझे एक स्टेप आगे लेके जाया। वो कभी मुझे कोई चीज ऐसा इसलिए नहीं बोलेंगे ताकि मैं बदतर बनूं, वो हमेशा मुझे एक चीज इसलिए बोलते, कोई भी चीज इसलिए बोलते ताकि मैं बेहतर बनूं, और बेहतर बनूं, और बेहतर बनूं, और बेहतर बनूं। और कई गालियां सुनने के बाद, कई बार लात खाने के बाद, कई बार गुस्सा झेलने के बाद, थोड़ा कुछ जिंदगी में परिवर्तन हुआ, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा। सो एक गुरु बनाइए और गुरु को 100% फॉलो करिए। अब लोग पता क्या करते हैं, गुरु कैसा होता है लोगों के लिए, गुरु क्या है यहाँ पर इस बिजनेस में, लोगों के लिए गुरु क्या है, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगा। बहुत सारे लोगों के लिए उनका जो गुरु है ना, उनका डिलीवरी बॉय है,
लोग अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी गुरु से करवाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सर आप वहां जा रहे हैं, सर वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को दे देंगे, सर आप उस एरिया में रहते हैं, वहां पर मेरे कस्टमर बना है सर, उसने 10,000 रुपए के चार 95 मांगे, सर आप डिलीवरी दे देंगे क्या सर? सर वो एरिया में सर वहां पर ये है, उसको आप मिल लेंगे क्या सर? बहुत सारे लोगों के लिए उनका गुरु उनका डिलीवरी बॉय। बहुत सारे लोगों के लिए उनका गुरु उनका ड्राइवर है। सर आप आ जाइए, आपके साथ आप आइए तो हम साथ में चलेंगे, आप आइए तो हम प्लान करेंगे, आप आइए तो हम क्लोजिंग करेंगे। सर आप जब क्लोजिंग करते रहे तो 100% सेल निकल जाती है। सर आपका प्लान ना दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान है, और आप जब प्लान देंगे ना तो सर जितने लोग बैठे हो सबके सब क्लोज हो जाएंगे। सर आपकी ट्रेनिंग सर कमाल की ट्रेनिंग है, आप सर ट्रेनिंग दे दीजिए सर, मजा आ जाएगा। इस तरीके से ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग पता है क्या है, उनका जो गुरु होता है ना, अपने गुरु को समझते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और खुद को समझते हैं धीरज मोदी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने गुरु को समझते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और खुद को समझते हैं धीरज मोदी। जितने लोग समझ गए वो यस बोल दीजिए, जो अभी भी नहीं समझे मुझे लगता है आपको पोगो देखने की जरूरत है। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन मेरी वजह से कमा रहा है, मैं काम कर रहा हूं मेरे अपलाइन के वहां पर पैसा जा रहा है, तो मेरा तो पूरा हक है मेरे अपलाइन के ऊपर। तो वो करते क्या है, पहले अपलाइन का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ने के बाद उसकी जेब पकड़ते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, जेब के बाद फिर सीधे गला। अगर सर आपने मेरी टीम को ये सपोर्ट नहीं दिया तो सर मैं काम करना छोड़ दूंगा। सर अगर आपने मेरे को मेरी टीम के साथ ये सेशन नहीं लिया तो मैं वो दूसरी वाली कंपनी में चला जाऊंगा। ऐसा करते हैं लोग, आपकी टीम में भी होंगे, हमारे साथ भी इश्यू, इनिशियल डेज में आज भी कई बार लोग छोटे छोटे चीजों को लेकर ऐसा करते हैं। गुरु का मतलब है 100% सरेंडर कर देना। कभी भी अपने गुरु को एक हेडलाइट, अपने एक ड्राइवर की तरह नहीं, एक हेडलाइट की तरह यूज करो। उसका इसलिए इस्तेमाल करना है, सर मुझे 100 मीटर बाद 100 कदम आगे का दिखा सको, मुझे आगे की राह दिखा सकते हो, मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग गुरु को पंजाब नेशनल बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं लूटने के लिए। नहीं मेरे भाई। और अगर जिस दिन भी आपके माइंड में ऐसा आ गया ना, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन भी आपके माइंड में ऐसा आ गया ना कि मैं काम कर रहा हूँ मेरे अपलाइन को पैसा आ रहा है, उस दिन से जो भी आपकी जेब में जा रहा होगा ना वो देखेंगे आप कम हो जाएगा। आपके माइंड में जिस दिन ये आ गया कि मेरे काम करने से मेरे टीम को पैसा जा रहा है, या मेरी टीम के काम करने से मेरे पास पैसा रहा, आपने नीचे अपना फोकस डाल दिया, उस दिन से आप देखेंगे आपकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहेगा। कई बार लोग इस बिजनेस में क्यों अमीर नहीं बन पाते, थोड़ा मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, बड़े कमबख्त होते हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं। प्लीज माइंड मत करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत सारे लोग टीसी रैंक पे पहुंचते हैं, एटीसी रैंक पर पहुंचते हैं, डीटीसी रैंक पर पहुंचते हैं, जेटीसी रैंक पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनके माइंड में पता नहीं है कैसे आ जाता है कि मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा जा रहा है, मेरे काम करने से अपलाइन को पैसा जा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं अपलाइन को पैसा जा रहा है। मेरे भाई वो बिजनेस का सिस्टम है, तो ये भी तो देखना, नीचे तेरे डाउनलाइंस काम कर रहे तो तेरी जेब में पैसा जा रहा है। ये सोच प्लीज हटा दीजिए, ये माइंडसेट प्लीज हटा दीजिए, ये माइंडसेट आपके इतने बड़े बिजनेसेस को खत्म कर देगा। मेरी टीम में बहुत सारे लोग एसटीसी से ये माइंडसेट आया, बिजनेस नीचे आ गया। आरटीसी से माइंडसेट आया, बिजनेस नीचे आ गया। डीटीसी से माइंडसेट आया, ये बिजनेस नीचे आ गया। ये माइंडसेट कभी भी आपको ऊपर ले जा ही नहीं सकता, ईगो कभी भी आपको इस बिजनेस में ऊपर ले जा ही नहीं सकता। ईगो बढ़ गया, गेम ओवर हो गया। सो प्लीज इनिशियल डेज है जिन लोगों के, प्लीज ये गलतियां मत करेगा। बहुत सारे लोग ये गलती करके पछता चुके हैं, अपनी बड़ी से बड़ी टीम को कोलैप्स कर चुके हैं, अपने धंधे को डाउन करके वापस बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज अगर गुरु को बनाया है तो उसको सच्चा और अच्छा गुरु मिल गया आपको, समर्पित कर दीजिए। उनको ड्राइवर की तरह मत यूज करिए, डिलीवरी बॉय की तरह मत यूज करिए, और उनको बैंक की तरह मत इस्तेमाल करिए। एंड अगर मेरी इस बात का आप पे थोड़ा भी असर हुआ हो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये गलती करी या नहीं करी, लेकिन प्लीज आज एक मैसेज जरूर कर देना अपने गुरु को, जो भी है, ईमानदारी से। मुझे पता है सब लोग नहीं करेंगे, 20% लोग करेंगे, लेकिन अगर आप आने वाले 5 साल 10 साल में ना अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहते हो तो एक मैसेज जरूर अपने गुरु को कर देना, सर आज तक जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा सर,
आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको 100% समर्पित करता हूँ। आज के बाद जो चीज आप बोलेंगे मैं वो करूंगा। आप मुझे प्रोडक्ट चैंपियन के लिए बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे रीपर्चेस के लिए बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे फील्ड पे रहने के लिए बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे मैं करूंगा, आप मुझे ऑनलाइन जीटीएस के बोलेंगे लिए करूंगा, मैं हर वो चीज करूंगा। मैं आज से अपने आप को समर्पित करता हूं और करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, वी डोंट हैव अ चॉइस। ओके, सो इफ यू आर रेडी प्लीज ये मैसेज कर देना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एंड आई लव दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 जो ये डिसाइड करेगा कि आप आने वाले टाइम में इस बिजनेस में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो ये है, अगर आपने ये किया तो आप अमीर बनेंगे, ये नहीं किया तो आप अमीर नहीं बनेंगे। इंक्रीज योर वैल्यू, अगर आपने अपनी कीमत बढ़ाई, अगर आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई तो आप आने वाले टाइम में इस बिजनेस में 100% अमीर बनेंगे, और अगर आपने ये नहीं किया नहीं बनेंगे। गूगल पे जाइएगा, एक नाम टाइप करिएगा, सोक्रेट्स। आपको उनकी बहुत सारी फोटोज मिलेंगी, आपको उनकी बहुत सारी कोटेशंस मिलेंगी। जब वो अपने डेथ बेड पे थे, मतलब मरने वाले थे, सो कल उनकी मौत होने वाली है और आज लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो सोक्रेट्स जवाब देते हैं कि मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। लोग पूछते हैं आप कल मरने वाले हैं और आज आप किताब पढ़ के क्या करेंगे? सोक्रेट्स का जवाब है ना, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए जिंदगी बदलने के लिए। उन्होंने कहा मैं मरने से पहले थोड़ा और बुद्धिमान होकर मरना चाहता हूं, मैं मरने से पहले थोड़ा और बुद्धिमान होकर बनना चाहता हूं। कितनी बड़ी चीज कही एक इंसान जो कल जाने वाला है इस दुनिया से, आज बोल रहा है कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मरने से पहले थोड़ा और बुद्धिमान होकर बनना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई तो हम बड़ा पैसा नहीं कमाए। इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे आप पास्ट में देख लीजिए, चाहे आप प्रेजेंट में देख लीजिए, या फ्यूचर में भी देखना चाहें तो देखिएगा, जिस जिस चीज ने, जिन जिन लोगों ने अपनी वैल्यू बढ़ाई है वो पैसा कमा रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपके पास अगर आप मार्केट में जाएं, आज अब एक फोन लेकर आते हैं, आज अगर आप एक फोन लेकर आते हैं और एक साल के बाद, सपोज आईफोन, एक लाख रुपए का आईफोन आ रहा है, ओके, आईफोन 12, आईफोन 13 आता है, आईफोन 13 आता है, वो अगर आपको 1,00,000 रुपए में मिलेगा तो ये आईफोन 12 था वो आपको 50,000 में मिलना चालू हो जाएगा, 50,000 में मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? 1,00,000 वाला जो आईफोन 12 प्रो 12 था, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से थी, लेकिन जब 13 आया, 13 ने अपनी वैल्यू बढ़ाई तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। जो इंसान जिंदगी में अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा है वो बड़ा पैसा कमा रहा है। एंड मैं अभी आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो, आपकी आमदनी सिर्फ उस हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हो। आपकी आमदनी सिर्फ उस हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ सकते हैं। आप एक कार लेने जाते हैं आज की डेट में, अगर कोई बंदा BMW ले रहा है तो उसका बेस मॉडल उसको 35,00,000 में दिखता है और टॉप मॉडल 45,00,000 में दिखता है। वो 35,00,000 से 45,00,000 का सफर क्यों हुआ? वो 35,00,000 से 45,00,000 का सफर इसलिए हुआ क्योंकि हर मॉडल में कुछ ना कुछ वैल्यू एड होती गई, वैल्यू बढ़ती गई कीमत बढ़ती गई। ठीक वैसे ही अपनी जिंदगी में होगा, जब तक हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे हमारी कीमत बढ़ती रहेगी, हमारी रैंक बढ़ती रहेगी, हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, हमारी टीम बढ़ती रहेगी। लेकिन जिस दिन से हमने ये सोच लिया कि मुझे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, मुझे बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा उस दिन से उल्टी गिनती चालू हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं बन रहे हैं तो आप बदतर बन रहे हैं। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप ऊपर नहीं जा रहे तो आप ऑटोमेटिकली नीचे जा रहे हैं। ओके, सो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, हर वक्त अपने को फोकस करना है, इस बिजनेस में आने के बाद अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी कीमत को बढ़ाना है। आप देखते होंगे बहुत बार एक ही कॉलेज से दो डॉक्टर्स निकले हैं, दो डॉक्टर्स एक ही जगह पर क्लिनिक लगा रहे हैं, एक के पास कंटिन्यूसली पेशेंट्स जा रहे हैं और एक का उतना नहीं चल रहा है। आप देख रहे होंगे हर जगह पर देखिए ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी वैल्यूज है जो इसके पास नहीं है, कुछ ऐसा इसके पास है जो इसके पास नहीं है। ठीक ऐसे ही आप अपनी टीम में देखिए, आपकी टीम में कोई नेटवर्कर होगा जो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा होगा, बहुत सारे लोग नहीं दे रहे होंगे। रीजन, इसके पास कुछ ऐसा जो बाकी लोगों के पास नहीं है। सो अपने को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि मेरी नजर में ना जो फ्रेश है वैल्यू उसी की है, जो फ्रेश नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ, चंचल सर आपके उधर आए स्टेज पर हजारों लोगों के बीच में, आपको आपको उन्होंने एक रोज का बुके दिया, आपको एक रोज का बुके दिया, आप फोटो खिंचवाएंगे, वो बुके घर पे लेके जाएंगे, सब सेल्फी लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, सबको बताएंगे मेरे डायमंड लीडर ने मेरे को ये बुके दिया क्योंकि मैं ए रैंक पर पहुंचा हूं। उसको एक दिन रखेंगे, दो दिन रखेंगे, तीन दिन रखेंगे, चौथे दिन वो बुके कहां जाएगा? प्लीज टाइप करके बताइएगा, चौथे दिन वो बुके कहां जाएगा? कचड़े में, गार्बेज में, डस्टबिन में। क्यों? तीन दिन पहले हम उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, हम स्टेटस पे लगा रहे थे, हम लोगों को बता रहे थे, हमारे डायमंड ने दिया, चौथे दिन हमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। क्यों? उसकी फ्रेशनेस खत्म हो गई, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरीके से ये माइंड है ना, ये जब तक फ्रेश इसमें नॉलेज रहेगी, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे। जिस दिन इसकी नॉलेज डाउन होते गई ना, जिंदगी में नीचे आना अपन चालू कर देंगे, जिंदगी में नीचे आना अपन चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत सारे लोग, कोई कार ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, किसी के पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, किसी के पास कुछ है, ये सारा अचीवमेंट उनका क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? हाथों की वजह से, पैरों की वजह से, दिल की वजह से, दिमाग की वजह से? यही दिमाग की वजह से वो सारा अचीवमेंट हो रहा है। और लोग शादियों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, लोग घूमने जाते हैं, हजारों रुपए खर्चे कर देते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन उनको जब अपलाइन बोलेगा भाई 250 रुपए की बुक आती है पढ़ ले, जीत आपकी है, तेरी जिंदगी बदल, 250 रुपए, कभी कभी ऐसा लगता है इसकी किडनी मांग ली दोनों अपन ने, इस वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, अगर इस बिजनेस में आकर लाखों रुपए कमाना है, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अपनी कीमत नहीं बढ़ेगी कुछ नहीं होने वाला। कई बार पता है लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, वो 100, 200, 500, 1000 रुपए का मुंह देखते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का मुंह देखते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए, आरटीपीस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। हम अगर वो छोटी सी कीमत नहीं चुकाएंगे तो भूल जाइए आप अपने बच्चों को शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के बारे में। हम अगर वो छोटी सी कीमत नहीं चुका सकते अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो भूल जाइए कि आप अपने बच्चों को एक छोटे से एक बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उनके लिए भी वही छोटी छोटी चीजें आप सोचोगे जो अपन ने अपने लिए सोचा। सो इस बिजनेस में आए हैं तो अपने को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी से यस। मुझे नहीं पता आज से पहले आप क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता आज आप क्या कर रहे हैं, मुझे को फर्क इस बात से पड़ता है कि आज के बाद आप क्या करने वाले। क्या आज के बाद आप अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए रेडी हैं? अब आप बोलोगे सर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मीटिंग्स में आना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आरटीपीस में बैठना। सर बहुत मुश्किल है, सर बहुत मुश्किल है, सर ना हो पाई, इतना सारा काम करना पड़ेगा सर, इतना मुश्किल है ये काम, इतना मुश्किल है, इतना सब करना पड़ेगा। मेरे भाई आसान किसके लिए है? आसान किसके लिए है? आज एक आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? पूछो जाकर उससे, उसने अपने आप को कितने सालों तक अपग्रेड किया है मोटी मोटी किताबें पढ़कर। एक डॉक्टर बनना आसान है क्या? पूछो जाकर उससे, उसने कितनी मोटी मोटी किताबें कितने सालों तक पढ़ी है। एक लॉयर बनना आसान है क्या? एक टीचर बनना आसान है क्या? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? पता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको आज सच बताऊं, दूध का दूध और पानी का पानी बताऊं ना, जितना पैशनेटली लोग आईएएस बनने के लिए दौड़ते हैं ना, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, जितनी मेहनत करते हैं किताबों के साथ, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अगर उसका 10% भी नेटवर्क मार्केटर्स करने लगे ना, बहुत कुछ बदल जाएगा उनकी जिंदगी में। 10% भी नहीं करते, 10% भी नहीं करते लोग, 10% उसका 10% नहीं करते। कोई आपका दोस्त अगर आईएएस बना हो, डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, लॉयर बना हो, टीचर बना हो, जाकर पूछना भाई तूने कितने साल तक कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कितना अपने आप को अपग्रेड किया, तब तू ये 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कमा रहा है। वो आपको बताएगा उसने कितना एफर्ट किया, और उसका 10% एफर्ट भी आपने कर लिया ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। बट लोग करते नहीं है, व्हाई? क्योंकि सर 2 साल में सर एनटीसी बनना है, ट्रेनिंग ली, सर बोला था ना आपको 3rd साल में लेंगे ट्रेनिंग। ये माइंडसेट। दुनिया में कोई काम आसान नहीं है मेरे भाई, इस बिजनेस में आना बहुत आसान है,
लेकिन इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। हर बंदा बढ़ाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वकील, अपने अपने प्रोफेशन में बढ़ाता है, अपने को भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, आई होप अपग्रेड करने के लिए ये तीन टी चीज याद रखिएगा। बड़ा पैसा कमाना है चंचल सर की तरह, बड़ा पैसा कमाना है बड़े बड़े लीडर्स की तरह, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो पहला टी है आपको ट्रेनिंग लो। फर्स्ट टी, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, जितना ज्यादा ट्रेनिंग हो सकता है लो। किसी का भी, कोई भी लीडर जो आपसे ऊपर की रैंक पर है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, कुछ ना कुछ हर बंदा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। ट्रेनिंग लो, पहली चीज जो आपको इस बिजनेस में आने के बाद ही करनी है अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो। दूसरी चीज, जब ये चीज आप करने लगो तो आपको फोकस करना है ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देना चालू करो। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप ZTC रैंक पर हो सकते हो, DTC रैंक पर हो सकते हो, आप STC रैंक पर हो सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग देना चालू करना पड़ेगा। टुडे आई एम 21 साल की उम्र में बिजनेस में आया था। 22 साल होने के बाद, मतलब 6 महीने के अंदर मैंने अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया था। उसके पीछे रीजन था, माई अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, ही वॉज फ्रॉम मुंबई, वो महाराष्ट्र से थे। मैं 25 लोगों की टीम बनाऊं और सर को बुलाऊं, सर आ जाओ। एक महीने के बाद फिर नई 25 लोग की टीम बनी, सर को बुलाऊं, सर आ जाओ। फिर 25 की बनी, 50 की बनी, सर को बुलाऊं, आ जाओ। मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। बहुत सारी गलतियां करी, बहुत सारी मिस्टेक्स करी, कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करता रहा। एंड उस वजह से आज 28 साल की उम्र में थोड़ा कुछ अपनी टीम को अच्छा सिखा सकता हूँ, थोड़ा कुछ अपनी टीम के लिए वैल्यू एड कर सकता हूँ, बिकॉज वो चीज मैंने चालू कर दी 22 साल की एज, 6 महीने के बाद ही मैंने चालू कर दिया। शायद TC भी नहीं था तब, TC भी नहीं बना था तब से टीम को एजुकेट करना चालू कर दिया। 10 लोग हैं, 10 को कुछ सिखाओ, 20 हैं, 20 को कुछ सिखाओ, 25 है, 25 को कुछ सिखाओ। तो पहली चीज अपने को जो करनी है, ट्रेनिंग लेना चालू करना है, ट्रेनिंग लेना चालू करना है। और आज तो बहुत इजी है, आपको उन सब लीडर का टाइम मिल जाता है ना, फोकट में, फ्री में, घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, जिनको सुनने के लिए लोग 500 रुपए 1000 रुपए देते हैं। आपका शायद लास्ट GTS में चंचल सर ने बताया, शंकेश वायल सर आए थे, आप जाइएगा मुंबई में, उनका जो मीटिंग GTS में जाते हैं उसका टिकट रहता होगा 50-100 रुपए। अगर वो कहीं ट्रेनिंग देने चले 2-2.5 हजार का टिकट रहता है उसका, लेकिन अपने को उन सब लोगों की नॉलेज फ्री में मिल रही है, इसलिए शायद लोग कदर नहीं करते, ओके, सो पहला चीज है ट्रेनिंग लो, दूसरा चीज है ट्रेनिंग दो, और तीसरा टी ट्रेनिंग देना सिखाओ, ट्रेनिंग देना सिखाओ, क्योंकि ये तीसरे काम से टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे, टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे। अगर मैं ही ट्रेनिंग लेता रहूंगा, मैं ही ट्रेनिंग लेता रहूंगा, उससे एक बहुत बढ़िया चीज होगी, मेरा माइंडसेट इंडस्ट्री के लिए मजबूत होगा, मेरा स्किल सेट इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए मजबूत होगा। लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा नहीं, तो मेरी टीम में जो लोग आए हैं उनका माइंडसेट और उनका स्किल सेट मजबूत नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ट्रेनिंग लेना चालू किया, ट्रेनिंग देना चालू किया और इन लोगों को ट्रेनिंग देना भी सिखला दिया, तो वो चीज होगी जिससे मेरे नेटवर्क में पैसिव इनकम आना चालू होगा, वो है डुप्लीकेशन। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि अपने को पैसिव इनकम आता है, हम काम ना भी करें तो भी अपने को पैसा आता है। उसका रीजन है हमारी टीम में लीडर्स क्रिएट होते हैं, और लीडर्स कब क्रिएट होते हैं, जब लोगों से बात करने से घबराएंगे तब लीडर्स क्रिएट होंगे, जब लोगों से अपनी बात शेयर करने से डरेंगे तब लीडर्स क्रिएट होंगे, जब लोगों को अपनी टीम को सिखाने से डरेंगे तब लीडर्स क्रिएट होंगे। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। लीडर्स क्रिएट करने के लिए अपने को लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने को लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बिकमिंग शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बिकमिंग अ किंग, दिस बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग किंग। किंग नहीं बनना है सिर्फ, किंग मेकर बनना है, किंग्स को क्रिएट करना है अपनी टीम में, लीडर्स को क्रिएट करना है अपनी टीम में। उसके लिए तीन टी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। पहले ले लो ट्रेनिंग जितना ले सकते हो, उसके बाद देना चालू करो कितने भी लोगों, 25 लोग आपकी जूम मीटिंग में हो, 50 का, 100 लोगों का मीटिंग 45 मिनट के लिए फ्री होता है, करो ना। होगी गलतियां, सबसे होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है, और उसके बाद लोगों को देना सिखाओ। ये चीज तो करो, एफर्ट डालो, पे द प्राइस, रिजल्ट मिलेगा। इफ यू विल नॉट पे द प्राइस, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ओके।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर यू आर 28 और आप इतने अच्छे अच्छे सेशन डिलीवर करते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, आप ये ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, इतना डीप में जाकर चीजों को सिखाते हैं, कैसे हुआ कैसे हुआ? मैं आप बोलता हूँ भैया मेरा सिर्फ एक फिलोसफी रहा है फ्रॉम 2014 फॉर मी, मेरे लिए की ये कीप की बोले तो एजुकेटिंग, वाई बोले तो योरसेल्फ, हर दिन हर हफ्ता हर महीना हर साल मुझे अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है, हर दिन हर हफ्ता हर महीना हर साल मुझे अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है, और अगर मैं अपने आप को पहले से बेहतर बना रहा हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ज्यादा पैसा ना कमाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। कभी आपने ऐसा सुना है जीत भाई एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है और उसके पास पेशेंट नहीं जा रहे? कभी आपने ऐसा सुना है जीत भाई एक बहुत बढ़िया टीचर है और उसके पास स्टूडेंट नहीं जा रहे? कभी आपने ऐसा सुना है जीत भाई कि एक बहुत बढ़िया लॉयर है उसके पास केस नहीं जा रहे? कभी आपने एक ऐसा सुना है कि एक बहुत बड़ा सीए है उसके पास क्लाइंट्स नहीं है? हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बेहतर बन जाऊंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी टीम को बेहतर ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वैल्यू ना बढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ज्यादा अच्छा पैसा ना कमाऊं। दिस इज द सीक्रेट, मुझे बेहतर बनना है एवरी डे इन एवरी वे, मुझे बेहतर बनना एवरी डे। उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर 40-50,000 लाख रुपए की नौकरी करने के लिए 5 साल तक किताबों से लड़ता है, डॉक्टर 10 साल तक लड़ता है, लॉयर भी काफी टाइम तक करता है, सीए भी करते हैं, ये सब लोग एफर्ट डालते हैं, प्राइस पे करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, हर बंदा सही है, डॉक्टर्स भी सोसाइटी में चाहिए मेरे भाई, लॉयर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, सीएस भी चाहिए, सबकी जरूरत है, लेकिन देखो तो ये क्या क्या प्राइस पे कर रहे हैं, अपने को भी करनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी, आज के बाद अगर आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए रेडी हैं, से यस फिर हम आगे बढ़ते हैं, से यस फिर हम आगे बढ़ते हैं, से यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा, और नहीं होंगे वो भी इस बात पे डिपेंड करेगा। क्या आप प्रोसेस से प्यार करते हैं या आप रिजल्ट से प्यार करते हैं? आजकल लोगों का फोकस चाहे अपनी टीम हो, चाहे अपने आसपास हो, चाहे बाहर की किसी इंडस्ट्री में हो, बहुत सारे लोगों का फोकस प्रोसेस से हट गया है और उनका फोकस रिजल्ट की तरफ चला गया। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईटीसी बनना है, सीलिंग अचीवर बनना है, हाईलैंड ट्रिप जीतनी है, प्रोडक्ट चैंपियन बनना है, वो उनके पास है, रिजल्ट है, रिवॉर्ड की तरफ पूरा फोकस है, लेकिन रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस से कोई नहीं गुजरना चाहता, वो प्रोसेस से सबको तकलीफ होती है, वो प्रोसेस के बारे में कोई सोचता नहीं है। हर बंदे को आज रिवॉर्ड चाहिए, हर बंदे को आज रिजल्ट चाहिए, हर अपलाइन को आज आउटकम चाहिए, रिवॉर्ड दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ, लेकिन प्रोसेस से ना कोई गुजर रहा है, और कई बार बहुत सारे अपलाइन लोगों को प्रोसेस से गुजारते नहीं है, इस वजह से उनको एक अच्छे लीडर नहीं मिलता। सो अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज, आज आपके इस बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मुझे नहीं पता, लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, सेल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है मुझे नहीं पता, लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो कुछ भी आज आपके बिजनेस के में हो रहा है ना, ये सब कुछ वो प्रोसेस का हिस्सा है, जो प्रोसेस ऊपर वाले ने तैयार किया है आपको आईटीसी बनाने, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रोसेस का हिस्सा है। एवरीथिंग, लोग आपके मुंह पे दरवाजा मार रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा है, लोग आपको ना बोल रहे नहीं इस काम में कुछ नहीं होगा, प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है, टीम बन रही है प्रोसेस का हिस्सा है, टीम बनने के बाद बैठ जा रही है प्रोसेस का हिस्सा है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और लोगों का ध्यान प्रोसेस से जब वो गुजर रहे होते हैं तो उनका ध्यान तकलीफों पे प्रॉब्लम्स पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि उनका फोकस रिजल्ट पर होता है, ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है, वो ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें करने का एक प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट का टाइम आप सब लोगों को दूंगा और वो एक मिनट में आप लोग टाइप कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है राइट डाउन, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है राइट डाउन। रिजेक्शंस आते हैं, ओके, रिजेक्शंस आते हैं, लोग इसके नाम से दूर चले जाते हैं,
10,000 नहीं है, लीड जनरेशन, रिजेक्शंस, क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है, डुप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शन एंड टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, सेलिंग में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मिल गए, किसी ने बोला रिजेक्शन, किसी ने बोला टीम बिल्डिंग, किसी ने बोला सेलिंग, और बहुत सारे ऐसे ही रीजंस होंगे, मिलते जुलते होंगे। ओके, एक बात बताइए, सपोज करिए संदीप हिंदुजा साहब हैं, संदीप हिंदुजा साहब ने या आशीष भाई ने या जो भी हैं, आपने बिजनेस चालू किया, आज बिजनेस शुरू किया, और आज बिजनेस शुरू करने के बाद आपने जिसको भी बताया उसने बिजनेस को चालू कर दिया, जिसको भी बताया उसने बिजनेस को चालू कर दिया। जो भी बंदा बिजनेस को शुरू कर रहा है वो जिसको भी बता रहा है वो बिजनेस शुरू कर दे रहा है। आप मुझे बताओ फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाए, फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाए? हम जिसको प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं वो प्रोडक्ट्स ले ले रहे हैं, फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाए? जिसको प्लान दिखा रहे वो साइन अप कर रहा है, फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? हम जिसको टीम में ला रहे वो टीम में बना रह रहा है, कभी छोड़ के नहीं जा रहा टीम को, फिर हम में और बाकी लोगों में फर्क क्या रह जाए? कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। बिकॉज जब सिचुएशन अच्छी होगी, हर चीज बढ़िया हो रही होगी, तब तो कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है ना। वो कहते हैं ना, स्मूथ रोड्स नेवर मेक गुड ड्राइवर, अच्छी सड़क पे कभी भी अच्छा ड्राइवर नहीं बनता, अच्छा ड्राइवर हमेशा खराब सड़क पर ही बनता है। सो अगर रिजेक्शंस मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं बॉस, ताकि आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना सके। अगर टीम टूट रही है या टीम काम नहीं कर रही है वो इसलिए ताकि आप अपने आप को एक बेहतर लीडर बना सके। अगर प्रोडक्ट्स टीम में सेल नहीं हो रहे वो इसलिए हो रहे ताकि आप अपनी सेलिंग की स्किल्स को और बढ़िया कर सके। हर प्रॉब्लम को इसीलिए डिजाइन किया जाता है ताकि हम बेहतर बन सके, ताकि हम और बेहतर बन सके उसको ओवरकम करने के लिए। और क्योंकि लोगों का फोकस प्रोसेस पे होता नहीं है, इस वजह से वो अलग अलग एक्सक्यूजेस देते, सर इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, सर टीम बन नहीं रही है, सर सर लोग प्रोडक्ट ले नहीं रहे, सर सर जिसको प्लान दिखा रहा हूँ मना कर रहा है, सर सर टीम का माइंडसेट गड़बड़ है, सर इसलिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि भैया मैं इसको ओवरकम कर सकूं, मैं बेहतर बन सकूं। आप मुझे बताओ यार, थोड़ी देर के लिए सोचो, आज हम में से मेजोरिटी लोगों का, ज्यादातर शायद यूथ हो गया यहाँ पर, हम में से जितने ज्यादा लोग, हम में से बहुत सारे लोगों का जितना एज है ना, शायद चंचल सर का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उतना होगा, और बहुत सारे जो माईलाइफ के लीडर है उतना उनका एक्सपीरियंस होगा जितना अपना आज एज है, जो 18 19 साल 20 साल के लोग हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, आज अगर आपको लग रहा है लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आज अगर आपको लग रहा है लोग प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, आज आपको लग रहा है टीम काम नहीं कर रहा है, तो 20 साल पहले कितना टफ होगा, 15 साल पहले कितना टफ होगा। ये आज तो अवेयरनेस है, कंपनी का अचीवमेंट है, सरकार का साथ है, तब हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। 20 साल पहले तो लीडर्स को नहीं पता था नेटवर्क इंडस्ट्री कब तक चलेगी, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था, तब जाकर उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ना देखकर अपने आप को बेहतर बनाते गए। आज हम उन सबको सलाम ठोकते हैं, आज वो सब लोग आने वाले टाइम के लिए एक मिसाल है, रोल मॉडल है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि उनका फोकस कभी रिजल्ट पे नहीं रहा। शायद रिजल्ट पे रहना गलत नहीं है, रिजल्ट पे होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट की तरफ फोकस इतना डालने कि प्रोसेस को भूल जाए वो नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन द प्रोसेस। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा है उसने दो मिनट के अंदर 120 मिलियन डॉलर कमाया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर 120 मिलियन डॉलर कमाया। इसका प्रोसेस क्या होगा? 2 मिनट में 120 मिलियन डॉलर कहां पर आ सकता है, कौन सी जगह पर आ सकता है, प्लीज राइट डाउन करिएगा। 2 मिनट में 120 मिलियन डॉलर कहां पर आ सकता है? कैसीनो में, जुए में, गैम्बलिंग में, ज्यादातर लोगों को यह लगे, स्टॉक मार्केट में, इन सब जगह पर 2 मिनट में 120 मिलियन डॉलर आ सकता है। 2 मिनट के अंदर 120 मिलियन डॉलर कमाया। स्टोरी सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसी स्टॉक मार्केटर की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट की, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा, नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, उसेन बोल्ट। 8 गोल्ड मेडल इस बंदे ने जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल, उसेन बोल्ट की बात कर रहा हूँ, 8 गोल्ड मेडल इस बंदे ने जीते हैं, 3 ओलंपिक्स में दौड़ा है, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 3 ओलंपिक्स में दौड़ा है,
तीन ओलंपिक्स में मिलाकर ये ट्रैक के ऊपर 100 मीटर के रेस में ट्रैक के ऊपर 120 सेकंड के आसपास दौड़े, 120 दो मिनट भी नहीं हुए, 120 सेकंड के आसपास दौड़े, 120 सेकंड ट्रैक के ऊपर दौड़े हैं और ये 120 सेकंड में इनको 120 मिलियन डॉलर 120 सेकंड दौड़ने की वजह से मिला है, ओके? लेकिन ये 120 मिलियन डॉलर कमाने के लिए इस बंदे ने 20 इयर्स तक अपना जिंदगी ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते गुजारा। 20 सालों से उसेन बोल्ट साहब ट्रैक पे दौड़ रहे, 20 सालों से कंटिन्यूअसली वो पेन झेल रहे, 20 साल से कंटिन्यूअसली अपने आप को पुश कर रहे हैं, 20 साल से कंटिन्यूअसली अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तब जाकर 120 मिलियन डॉलर हुआ, तब जाकर 120 सेकंड के अंदर इतना हुआ, तब जाकर तीन ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। अब लोग ये तो देखते हैं, लोग ये तो देखते हैं 120 मिलियन डॉलर, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन 20 इयर्स जिस प्रोसेस से गुजरना चाहिए ना, वो कोई नहीं देखता मेरे भाई, वो कोई नहीं देखता। एंड दैट इज द रीजन जो सफलता कुछ लोगों को मिलती है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, उनका ध्यान कभी भी इस प्रोसेस पे नहीं जाता। आप अगर इस बिजनेस में आए हैं ना सीमा मैम, सो अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि मैं इस बिजनेस में आई हूँ और मुझे इस बिजनेस तक मैं अगले 5 साल से लेकर 10 साल तक जितनी तकलीफ झेलनी होगी मैं झेलूंगी, जो कुछ भी होगा, चाहे वो रिजेक्शन हो घर वालों से या बाहर वालों से, चाहे वो टीम बिल्डिंग का प्रॉब्लम कुछ भी हो, आई एम रेडी टू फेस, लेकिन मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, मुझे इस बिजनेस में अमीर बनना है, उसके लिए मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू पे द प्राइस फॉर नेक्स्ट 5 or 10 years। अगर 5-10 साल का माइंडसेट नहीं बनाया, 5-10 साल अपने आप को इस प्रोसेस से नहीं गुजारा, ऐसा हो ही नहीं सकता हम इस बिजनेस में अमीर बन जाए। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं आज सोऊंगा 5 साल के बाद मैं ऑटोमेटिकली अमीर बन जाऊंगा, BMW आ जाएगी, ऑडी आ जाएगी, जगुआर आ जाएगी। भैया नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होगा, तकलीफ है, पेन है, सारी चीज है। इट इज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी फॉर चंचल सर, इट वॉज नॉट ईजी फॉर हरीश सर, इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी डायमंड और ITC, किसी के लिए आसान नहीं था। हलवा नहीं है कि किसी ने भी खा लिया, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप ये देखो आपको बेहतर बनना है, आप ये देखो आपको बेहतर बनना है, आपको बेहतर बनना है, आपको बेहतर बनना है, एवरी डे इन एवरी वे आपको बेहतर बनना है। अगर आप रेडी हैं तो से यस, अगर आप रेडी हैं तो से यस, अगर आप रेडी हैं तो से यस, से यस। ओके, पॉइंट नंबर फोर जो ये डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 500 लोग थे, 470 जूम पे रह गए, 470 जूम पे रह गए, क्योंकि मैंने बताया था ना शुरुआत में टॉप पे जगह बहुत कम रहती और सब लोग वहां पर कभी नहीं पहुंच सकते, सब लोग डायमंड कभी नहीं बन सकते, सब लोग ITC कभी नहीं बन सकते। हाँ ये बात सही है, यही बात सही है, आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए है, सबके लिए बना है नेटवर्क मार्केटिंग। एक डॉक्टर भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, लॉयर भी आ सकता है, एक स्टूडेंट भी आ सकता है, हाउसवाइफ भी आ सकता है, एक फार्मर भी आ सकता है, कोई पंचर वाला भी आ सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए बना है। लेकिन ये बात भी सही है, ध्यान से सुनिएगा, सब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने, सब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने। 470 लोग इसका है, पहले बहुत सारे लोग आए नहीं, कुछ लोग आके चले गए, अरे ये तो वही पुरानी बातें हैं, ये तो हर मीटिंग में ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ये हमको तो सब आता है। मेरे एक STC बोलता है, सर हमको सब आता है। उस बंदे को सब कुछ आता है, लेकिन उसकी रैंक के हिसाब से जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आता उसको, पता नहीं। मुझे कोई बोले आपको ये बोलना है दिन में अपने आपको कि आप गधे हो, गधे मैं गधा हूं, मैं गधा हूं, मैं गधा बोलने के लिए तैयार हूं, मुझे भाई 1 करोड़ दे दे साल का, ये बोलने के लिए मैं गधा हूं मैं बोलूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्मार्ट नहीं बनना, मैं बोलने के लिए रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाऊंगा, अगर मैं बेहतर नहीं बनूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली बदतर बन जाऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए, लेकिन सब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, नहीं है, क्योंकि हर बंदा वो कीमत नहीं चुकाएगा, हर बंदा वो कीमत नहीं चुकाएगा। आप 470 लोग वो कीमत चुका रहे हैं, यहाँ पर हैं, शायद ये लाइन सुनने के बाद, मुझे लग रहा है ये लाइन सुनने के बाद कुछ लोग जो जूम पे चले गए थे वो, कुछ लोग यूट्यूब पे चले गए थे वो जूम पे वापस आ गए कि भैया हम वहां पर हैं नहीं इसलिए हमारे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ओके, कहीं पर भी रहो, जूम पे रहो, यूट्यूब पे रहो, लेकिन सीखते रहो। पॉइंट वो है,
पॉइंट नंबर फोर, ये बहुत सारी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में सफल नहीं होते। होता क्या है, लोगों का माइंडसेट क्या होता है, कई बार जो बिजनेस में आते हैं, सोच थोड़ी देर के लिए सोचेगा, वो आज भर्ती होना चाहते हैं और कल चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, नहीं हो सकता। कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में इस माइंडसेट के साथ, जैसे सोचेगा एक बच्चा, एक माँ बाप है, वो अपने बच्चे, बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को सीधे स्कूल लेके जाते हैं, बोलते सर डिग्री दे दो आज ही, सर मेरा बच्चा होशियार पैदा हुआ है, ज्योतिषी ने बोल दिया आज ही डिग्री दे दो, मुमकिन है क्या, मुमकिन है क्या? तो बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, विचारों के पास ये नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, सब्र नहीं होता। आज आया हूं 2 साल में एनटीसी बनना है, आज आया हूं 3 साल में सीलिंग अचीवर बनना है, आज आया हूं 5 साल में डायमंड बन जाना है, लेकिन 5 साल में डायमंड बन सकते हैं, वो सब चीजें होंगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, सफर नहीं होता, वो टिकी नहीं रहे। इसलिए मैं बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, हर चीज जो हो रही है प्रोसेस का हिस्सा है। अभी शायद सीमा मैम था उनका नाम, मैंने बोला मैम 5-10 साल तक बने रहना है सिस्टम का हिस्सा, 5-10 साल तक अपने आप को अपग्रेड करता रहना है, प्रोसेस से गुजरते रहना, रिजल्ट तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले, लेकिन हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, एक बंदा था, कनेक्ट करिएगा ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी स्टोरी है। एक बंदा था 2020 में, उसने दिसंबर में डिसीजन लिया कि 2020 में जैसी जिंदगी थी 2021 में वैसी नहीं होगी, 2020 में जो कुछ भी नहीं कर पाया 21 में करके दिखाऊंगा, बड़ा मुकाम पे पहुंचूंगा, बड़ी सफलता पे पहुंचूंगा, हर वो चीज करूंगा जो करनी चाहिए। और बेचारे ने पहले दिन 2021 की जनवरी से वो सब कुछ करना चालू कर दिया, एफर्ट डालना चालू कर दिया, सीखना चालू कर दिया, हर चीजें करना चालू कर दिया, टीम को अपग्रेड करना चालू कर दिया, सब चीजें उसने चालू कर दी। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा करते करते सपोज करिए 2021 का पूरा दिसंबर बीत गया, और 2031 के दिसंबर पे पहुंच के भी वो बंदा देख रहा है यार पिछले साल मैं जहां पर था आज भी वही मुकाम पर हूँ, वही प्रॉब्लम जिंदगी में है, वही सब कुछ जिंदगी में है, कुछ बेहतर नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं। वो बंदा डिप्रेस हो गया, वो बंदा उदास हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, यार कुछ हो ही नहीं रहा, एक साल बीत गया कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहे, वहीं पर हूं, वही प्रॉब्लम, वही माँ बाप के ताने, वही सारी चीजें चल रही है, कैसे बदलेगा सब कुछ, कैसे बदलेगा सब कुछ, एक और साल मेरे हाथ से निकल गया। तो वो गया अपने गुरु के पास और अपने गुरु को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, सर मेरे को जो करना चाहिए था मैंने किया, जैसा आपने बोला था वो सारी चीजें की, मीटिंग में बैठा, ट्रेनिंग में बैठा, हर वो चीज जो मुझे करनी चाहिए थी मैं कर रहा था ईमानदारी से। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से वो सारी चीजें कर रहे, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो ईमानदारी से नहीं कर रहा। So, मैं ईमानदारी से सारी चीजें कर रहा था, सब कुछ हो रहा था, हर चीजें मैंने की, लेकिन सर साल भर के बाद भी सिचुएशन वैसी है। So, गुरु ने उनको एक कहानी सुनाई, और वो कहानी गुरु ने सुनाई आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी हो, चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी सुनाई। गुरु जी ने बोला एक चाइनीज बैम्बू ट्री के बीज को बोया जाता है, और वो बीज को बोने के बाद 5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब आज उसको बोया है 5 साल तक बस वो जमीन से थोड़ा सा बाहर इतना सा आ जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन 5 साल तक हर दिन उसको पानी दिया जाता है, हर दिन उसका ध्यान रखा जाता है, हर दिन उसको फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, 5 साल तक लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, केयर करना पड़ता है, और 5 साल तक लगातार रिजल्ट नहीं मिलता, 5 ईयर्स तक लगातार रिजल्ट नहीं मिलता। इस 5 साल के दौरान बहुत बार लोग आते हैं, बोलते हैं भैया तूने क्या बोया, वो बोलता है मैंने चाइनीज बैम्बू बोया है, कहाँ है भैया दिख नहीं रहा, 1 साल से नहीं दिखा, 2 साल से नहीं दिखा, 3 साल से नहीं, 4-5 साल हो गए तूने क्या बोया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और 5 साल तक वाकई में कोई रिजल्ट उसको नहीं आए, लेकिन हर दिन ईमानदारी से वो पानी, केयर, फर्टिलाइजर्स देता रहा, 5 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आया। 5 साल के बाद सिर्फ 6 वीक्स के अंदर ये 19 फीट बड़ा बैम्बू ट्री आ जाता है। 5 साल के बाद सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर 90 फुट बड़ा बैम्बू ट्री एकदम स्काई हाइट तक पहुंच जाता है, मतलब लंबा सा बैम्बू ट्री उग जाता है 5 साल तक। अब पॉइंट ये है, मेरा सवाल ये है आप सब लोगों से, मैं चाहूंगा जितने भी टीसीआर के डिस्ट्रीब्यूटर है वो जवाब देना, ये बैम्बू ट्री को उगने में कितना टाइम लगा, 90 फुट होने में कितना टाइम लगा, 90 फुट होने में कितना टाइम लगा, 90 फीट होने में
6 weeks, कुछ लोग बोल रहे हैं 5 साल 6 साल, कोई बोल रहा है 5 साल, कोई बोल रहा है 5 साल 6 महीना, लेकिन जमीन से 90 फुट होने में उसको लगा 6 वीक, लेकिन ये इंटायर प्रोसेस पूरा 5 साल का था, ये पूरा प्रोसेस 5 साल का था। अब आप बोलोगे कि 5 साल तक कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जो उनको दिखने चाहिए, वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जो दिखने चाहिए, तो हो क्या रहा है? एक्चुअली ये बैम्बू ट्री को, बैम्बू ट्री के जो रूट्स थे, जो जड़े थी, ये 5 साल तक अपने आप को नीचे और स्ट्रॉन्ग बना रहे थे और डीप जा रहे थे। उनको पता था 90 फुट तक संभालने के लिए मुझे और रूट्स को डीप ले जाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही थी, और नीचे की तरफ ग्रोथ होकर जब एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गया तो 90 फीट का बैम्बू ट्री सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर तैयार हो गया, सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर तैयार हो गया। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, अगर ये बीच में किसी भी कभी भी उसको पानी देना बंद कर दिया गया होता, सिर्फ ये सोच के कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, बीच में कभी भी उसका ध्यान रखना बंद कर दिया होता सिर्फ ये सोच के कि रिजल्ट नहीं आ रहा, बीच में कभी भी उसको खाद देना बंद कर दिया होता सिर्फ ये सोच के कि रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या वो 90 फीट का बैम्बू ट्री कभी बन पाता? क्या वो 90 फीट का बैम्बू ट्री कभी बन पाता? आपकी और हमारी लाइफ, हर नेटवर्कर की लाइफ इस बैम्बू ट्री से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, इस बैम्बू ट्री से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आप एफर्ट डाल रहे हो लगातार 2 साल, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और तीसरे साल में आपको वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको पहले 2 साल में। हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, 1-2 साल में वो रिजल्ट नहीं आते, 3 साल में रिजल्ट नहीं आते, एंड अचानक वो जो ग्रोथ होती है नीचे, वो जो फाउंडेशन तैयार होता है, वो जो माइंडसेट उस बंदे का नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, कंपनी को लेकर तैयार होता है ना, वो माइंडसेट की वजह से वो 1 साल के अंदर उतना अचीवमेंट कर लेता है जो उसने पिछले 2 साल के अंदर नहीं किया, या उससे भी ज्यादा अचीवमेंट कर लेता है। लेकिन हर दिन पानी देना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, हर दिन केयर करना जरूरी है, हर दिन खाद देना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से हर दिन प्लान देना जरूरी है, हर दिन सीखना जरूरी है, हर दिन बेहतर बनाना जरूरी है, हर दिन माहौल से अपने आप को जोड़ के रखना जरूरी है। क्योंकि जहां हमने हर दिन ये करना चालू कर दिया, जहां हम माहौल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए हट गए, वो जो ग्रोथ मिलने वाली थी वो हमेशा खत्म हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा इस बैम्बू ट्री से, ग्रोथ पेशेंस मांगती है, आपका सब्र मांगती है। अगर आपके अंदर सब्र है तो ग्रोथ मिलेगी, सब्र है तो ग्रोथ मिलेगी, और अगर सब्र नहीं है नहीं हो सकता। 9 महिलाएं मिलकर भी दोस्तों 1 महीने के अंदर एक बच्चे को नहीं जन्म दे सकती, 9 महिलाएं मिलकर भी 1 महीने के अंदर एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है 9 महीने तक, सब्र रखना पड़ता है, तब जाकर एक रिवॉर्ड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। लेकिन कई बार लोग ये टाइम देखते हैं, कुछ हो नहीं रहा, 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 कुछ हो नहीं। यार रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं 10 लोगों को प्लान दूं, 10 में से 10 मेरे हाथ में आए, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी कंपनी के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको बताऊंगा। अगर वो आया तो सही, अगर नहीं आया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदे का नुकसान हो गया, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। अगर वो आया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, अगर नहीं आया तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उस बंदे का नुकसान हो गया। ऐसा एटीट्यूड रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये बिजनेस को धैर्य चाहिए। आपने अपने से बहुत सारे लोगों ने एक दुनिया की एक नंबर 1 कंपनी है उसके बारे में सुना होगा, इंटरनेशनल कंपनी है, उसके जो मालिक थे, उसके मालिक जब सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने, लोगों ने उनसे आकर पूछा जो उन्हीं के नेटवर्क में थे कभी, कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए कैसे हो गए, आपने ऐसा क्या किया जो हमने नहीं किया। उन्होंने सिंपल सी चीज बोली, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा सा फर्क ये है, आप इस बिजनेस के साथ नहीं रहे और मैं इस बिजनेस के साथ रहा, मैं इस बिजनेस के साथ रहा इसलिए मैं यहां पर बन गया, आप इस बिजनेस को छोड़ के चले गए इसलिए आप जहां थे वहीं पर, आप जहां थे वहीं पर। पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। अब धैर्य का मतलब ऐसा नहीं है कि घर पर आप आराम कर रहे हो। अंकित सर ने बोला था सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, भैया वो सब्र नहीं है, वो आलस है। सब्र का मतलब है जो करना चाहिए वो करना है, पानी देना है, खाद देना है, टीम का ध्यान रखना है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहे तो सब्र कर, उसके बाद तू नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा तो सब्र कर,
पांच साल से बंदा सब्र कर रहा है, सर मेरा बेम्बू ट्री नहीं आएगा 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 आएगा। भैया ऐसे नहीं आता बेम्बू ट्री, ऐसे नहीं आता बेम्बू ट्री, ओके ऐसे नहीं बनता बड़ा नेटवर्क। सब्र का मतलब है जो करना चाहिए वो करो, रिजल्ट ना आए परवा मत करो, एफर्ट डाल, रिजल्ट ना आए परवा मत करो, एफर्ट डाल, ओके। सो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया और आज के बाद आई होप आप अगर सब्र रखने के लिए तैयार हैं, सो से यस मी मी मी, से आई और मी, मैं तैयार हूं सब्र रखने के लिए। मैं तैयार हूं। लास्ट 15 मिनट है दोस्तों, बने रहिएगा, जो भी 470 लोग हैं जो जूम पर है बने रहिएगा, लास्ट 15 मिनट है एंड आई होप ये लास्ट 15 मिनट के बाद एक अच्छा सेशन मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा। मुझे लगेगा बहुत सारी मिस्टेक जो लोग करते हैं बेसिक लेवल पर वो सब दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए ना दो चीजें चाहिए, एक आपका माइंड सेट चाहिए, एक आपका स्किल सेट चाहिए। माइंड सेट और स्किल सेट चाहिए। स्किल सेट तो 4 घंटे में 2 घंटे में नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन मैं कुछ चीजें बताकर आपका माइंड सेट इस बिजनेस के लिए मजबूत कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरा माइंड सेट इस बिजनेस के लिए मजबूत हो गया तो अगर मैं अपनी स्किल्स पे काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो पेशेंस की हम बात कर रहे थे, अपने को पेशेंस रखना है, 5 साल 10 साल तक इस बिजनेस में बने रहना है और साथ में जो करना चाहिए वो करते रहना है। अपने आप को मैं कंटिन्यूसली पिछले 7 साल से एक लाइन बोलता आ रहा हूं और मैं चाहूंगा आपके अच्छे दिन चल रहे हो, बुरे दिन चल रहे हो, कभी भी कुछ भी चल रहा हो, ये लाइन आप अपने आप को कंटिन्यूसली बोलते रहिएगा। लिख लीजिए आपका जहां पर भी विजन बोर्ड है, किधर भी है आप उधर लिख लीजिए कि कभी कभी 10 साल लग जाते हैं वो 1 साल लाने में जो पूरी जिंदगी बदल दे। कभी कभी 10 साल लग जाते हैं वो 1 साल लाने में जो पूरी जिंदगी बदल, पूरी जिंदगी। Sometimes it takes 10 years to get that 1 year which will change your entire life. आप देखेंगे ना 5 साल एफर्ट डाल रहे होंगे, आप कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होगा वैसा जैसा आपको चाहिए होगा, 6ठे साल में कमाल हो जाएगा। I'll tell you my story. कंपनी का फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था इन जनवरी 2017 दिल्ली में कंपनी का फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था। ऑन दैट पर्टिकुलर डे मैं TC था, उसके बाद 2015 में ही फादर्स डे था, 20 जून फादर्स डे होता है उस टाइम स्पेंड, मतलब मेरे को 9 महीने लगे। 31 मई को मैंने शुरू किया था एंड 17 जनवरी को मैं TC था, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने के अंदर TC से STC का सफर पूरा हुआ। इस STC के सफर से लेकर 2016 का जब फादर्स डे आया तब RTC का रैंक अचीव हो गया था, मैं सिंगल ID की बात कर रहा हूँ। 2016 का फादर्स डे के बाद जब 2017 का फादर्स डे आया था तब उस वक्त तक NTC रैंक हिट हो गया था। 2017 के बाद जब 2019 का फादर्स डे आया था तब तक CTC रैंक हिट हो गया था। ओके, 2019 फादर्स डे के बाद 2021 का फादर्स डे भी जा चुका है और मुझे लगता है जिस तरीके से काम चल रहा है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर ITC का रैंक हिट हो जाएगा, ITC रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, सो पॉइंट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 9 महीने लग गए TC बनने में, 30,000 कमाने में। अगर उस वक्त मैं लॉजिकली सोचता कि यार 30,000 रुपए कमाने में 9 महीने लग गए, इस हिसाब से तो इस बिजनेस में मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो आज जो रिजल्ट मिल रहा है, आज जो सक्सेस मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लॉजिकली मत देखिएगा, बिकॉज लॉजिक से ज्यादा इस बिजनेस में मैजिक होता है, लॉजिक से ज्यादा इस बिजनेस में मैजिक होता है। आप इतना एफर्ट डालते हो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, एक टाइम आता है कि आपका नेटवर्क अलग अलग जगह पर ऐसा बन जाता है कि भैया आप कुछ एफर्ट नहीं डालोगे तो भी आएगा। भी लास्ट मंडे को चंचल सर से बात हो रही थी, उन्होंने बोला उनका और उनका फैमिली कोविड वगैरह हुआ एंड वो अब रिकवर कर रहे हैं स्लोली, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ा होगा, बिकॉज ही हैज अ बिग नेटवर्क, ही हैज अ बिग नेटवर्क। एक टाइम था शुरुआत में जब उनकी प्रेजेंस टीम में होना बहुत जरूरी थी, उनकी प्रेजेंस होती थी तो बिजनेस आता था, प्रेजेंस नहीं होती थी तो बिजनेस नहीं आता, जैसा आज आपके और हमारे साथ होता है। लेकिन एक टाइम के बाद हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी प्रेजेंस नहीं भी रहेगी तो भी पैसा आता है। ओके, सो ऑलवेज हैव पेशेंस, बड़े विजन के साथ आइएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, शायद लोगों को ग्रोथ ना दिख रही हो लेकिन ग्रोथ हो रही है, शायद लोगों को ग्रोथ ना दिख रही हो लेकिन ग्रोथ हो रही है। कभी नीचे की तरफ हो रही है, कल ऊपर की तरफ होगी तो बढ़िया से होगी। ओके, सो हैव पेशेंस, ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर थ्री जो डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो ये है भैया, आज एक चीज ध्यान रखिए, लीडर्स होते हैं ना
वो लीडर्स को क्रिएट करते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने बोला दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बिकमिंग किंग, दिस बिजनेस इज अबाउट बिकमिंग किंग मेकर, लोगों को किंग मेकर बनाना. बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो डीटीसी जेडटीसी एसटीसी रैंक पर पहुंचते हैं, कभी कोई आरटीसी रैंक पर, कभी किसी को एनटीसी के रैंक पर होता है, वो फॉलोअर बनाने लगते हैं कि लोग मुझे फॉलो करें, जो मैं बोलूं वो लोग करें, मैं सही बोलूं तो लोग करें, मैं गलत बोलूं तो लोग करें, मेरे हिसाब से लोग चले, हर चीज मेरे हिसाब से हो. लोग फॉलोअर बनाने के लिए भागते रहते हैं, लोग फॉलोअर बनाते हैं, वो लीडर्स क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे. अब आप बोलोगे सर लोग फॉलोअर बनाने के बारे में क्यों सोचते हैं, आपके साथ भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है. मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई टीसी रैंक पर, कोई एटीसी रैंक पर, कोई डीटीसी रैंक पर, कोई जेडटीसी पर, कोई एसटीसी पर, कोई आरटीसी पर, फॉलोअर बन रहे हैं. उनके टेबुलर व्यू में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको फॉलो, उनको लग रहा है ये सब इनके इनका नेटवर्क है, इससे एक दिन कमाल होगा, लेकिन नहीं, इनका फोकस है फॉलोअर पे. और फॉलोअर क्यों बनते हैं, लीडर क्यों नहीं बनते दोस्तों, उसका मतलब है एक बंदा जिस दिन रिवॉर्ड पे ध्यान देने लगता है, ध्यान से सुनिएगा, ये लीडर्स के लिए है क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉब्लम ऊपर वाले लोगों को आती है. जब हमारा ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा चला जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, तो हम लीडर्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम फॉलोअर्स क्रिएट. जब हमारा ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ज्यादा जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, तो समझ लेना हमारी टीम में लीडर्स नहीं, हमारी टीम में फॉलोअर्स क्रिएट होते हैं. और ऐसा थोड़ी थोड़ी रैंक अचीव करने के बाद लोगों के साथ होने लगता है, वो एफर्ट डालना बंद कर देते हैं जो उन्होंने शुरुआत में डाले, वो टीम के साथ वो सारी काउंसलिंग करना, टीम को एजुकेट करना, वो करना बंद कर देते एक मुकाम पर जाकर जो उन्होंने शुरुआत में किए थे. इस वजह से धीरे 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 करके उनको रियलाइज ही नहीं होता, उनका अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा होता है वो धीरे 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 करके डाउन. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक लाइन बोली थी, बड़े कमबख्त होते हैं गुब्बारे, गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा बड़ा होने के बाद अपनी औकात भूल जाते हैं. ओके, सो आई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी लीडर, मैं सिर्फ एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज रिवॉर्ड से अपना ध्यान हटा लीजिए, प्लीज रिवॉर्ड से अपना ध्यान हटा लीजिए और कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ अपना ध्यान दीजिए. This business is all about contribution. आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा यार, जो भी आप रैंक पर हो, आप कल को ITC बनते हो, आपका contribution नहीं, आपको reward मिल रहा है, और आप stage पर हो, आप stage पर हो, और लोग ये बोल दें, ये बंदे ने STC level के बाद काम करना बंद कर दिया, लेकिन इसका team setup हो गया था, इस वजह से आज ये बंदा पैसा कमा रहा है, सारा success उसी वक्त खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत उसी वक्त बर्बाद हो जाएगी लोगों को जब कोई बंदा ऐसे बोल देगा. ऐसा लगना चाहिए लोगों को, जब आप स्टेज पर जाओ तो आपकी टीम इसलिए आपके लिए तालियां बजाएं कि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ना कि इसलिए कि आपने नई गाड़ी ली. लोग इसलिए आपके लिए ताली बजाएं कि आप टीम के साथ वो सारे एफर्ट डाल रहे हो उनको आगे बढ़ाने के लिए, ना कि आपका 1,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए का चाहिए. लोगों की तालियां आपके लिए इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप उनकी सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसलिए नहीं क्या है बोलने के पीछे. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 470 लोग हैं और बहुत सारे लोग शायद YouTube पर होंगे, जितने भी लोग यहां पर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर पीपल. नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, और यहां पर एज अ लीडर अपना फोकस होना चाहिए कि मुझे अपने लोगों को बिल्ड करना है, वो लोग मेरे बिजनेस को बिल्ड करेंगे. मुझे अपने लोगों को बेहतर बनाना है, वो लोग मेरे बिजनेस को बेहतर बनाएंगे. मुझे अपने लोगों को अच्छा पैसा कमा कर देना है, वो लोग मुझे और अच्छा पैसा कमा कर देना है. सिंपल सा फिलोसफी है, आप अपने लोगों को बेहतर बनाओ, आपके लोग आपके बिजनेस को बेहतर बनाएंगे. एवरी डे आपका अपना काम ही क्या है यार, एज अ नेटवर्क मार्केटर मेरा रोल सिर्फ इतना है लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना. मैं लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, मेरी वजह से थोड़ा सा लोगों की जिंदगी में अगर कुछ बेहतर हो
सेफ यूम गए, कुछ नेटवर्क का इशू है, बहुत जल्दी. थैंक यू आई एम बैक. सर प्लीज पुट मी इन द स्पॉटलाइट, जस्ट 5 or 10 मिनट्स मोर एंड थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, संभालेंगे अपन. सो आई होप आपको समझ आ रहा है. जगदीश भाई, अगर हम अपने लोगों को बेहतर बनाएंगे तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली बेहतर होगा. मैं अपने लोगों को बेहतर बनाऊंगा तो अब मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बेहतर होना है. जिस दिन से मैंने अपने लोगों को बेहतर बनाना बंद कर दिया, उस दिन से प्रॉब्लम आना चालू होगी. तो फोकस अपना रिवॉर्ड पर नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन पे जाना है. फोकस अपना लोगों को बिल्ड करने पे जाना है, ना कि लोगों को फॉलोअर बनाने का. अगर आज के बाद आप सब लोग, ऑल टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, जितने भी लीडर्स हैं, अगर आज के बाद आप कॉन्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देंगे ज्यादा, तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स. मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूँ. आज के बाद अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चालू करेंगे तो प्लीज टाइप सी इन द चैट बॉक्स. टाइप सी 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 की कॉन्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. फ्रेंड्स, एक दिन पता है क्या होगा, ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीजों से अपना मतलब वो होता है, मोह खत्म हो जाएगा. यार कितने फोन लोगे, कितनी गाड़ियां लोगे, कितने घर बनाओगे, कितना बैंक बैलेंस बनाओगे. हरीश सर ने 2014 में, मेरे मेंटर ने 2014 में एक लाइन कही थी, वो आज तक मुझे याद है. और आप मुझे 10 साल के बाद मिलोगे ना तो भी मुझे वो लाइन याद रहेगी. उन्होंने मुझे बोले था, अंकित करोड़पति वो नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है. अंकित करोड़पति वो नहीं है जो करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़पति वो है जो करोड़ों दिलों पे राज करता है. दैट इज द रियल सक्सेस. और करोड़ों दिलों पे राज हम कभी भी रिवॉर्ड से नहीं कर सकते. करोड़ों दिलों पे राज सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन से हो सकता है. सो फोकस ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ऑन रिवॉर्ड. फोकस अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, ना कि उन वो ऐसी टीम बनाने के लिए जो सिर्फ आपको फॉलो करे. ओके, पॉइंट नंबर टू पे जाने से पहले मैं आप सब लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा. हम सब लोगों ने लाइन अलग अलग जगह बोली है. कितने लोगों को लगता है मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं? आरती मैम, आपके पापा दुनिया के बेस्ट पापा है आपके लिए? हमारी मम्मी हमारे लिए बेस्ट मम्मी है, हमारा भाई हमारे लिए बेस्ट भाई है, हमारी बहन हमारे लिए बेस्ट है, राइट? मेरे पापा बेस्ट पापा, मेरी मम्मी बेस्ट मम्मी, मेरे दादा बेस्ट दादा, राइट? ऐसा हमारा एटीट्यूड रहता है हमारी फैमिली मेंबर के लिए. अभी करीना कपूर बोलती है कि मेरा तैमूर दुनिया का सबसे बढ़िया बेटा है. और हमारी उड़ीसा में कोई मैडम होंगी, वो बोलेंगे नहीं, मेरा बेटा दुनिया का सबसे बढ़िया बेटा है. और हमारी गुजरात में कोई मैडम होंगी, बोलेंगे नहीं, मेरा बेटा दुनिया का सबसे बढ़िया बेटा है. माइंडसेट समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ. उन लोगों की सफलता को कोई नहीं रोक सकता जिनका माइंडसेट होता है, माय कंपनी इज द बेस्ट कंपनी. ये चीज मैंने क्यों बोली आपको आगे समझ में आ जाएगी. आज इंडिया में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और दुनिया में बहुत सारी और कंपनियां काम कर रही हैं. आज अगर टर्नओवर की बात करो, जो दुनिया की नंबर वन कंपनी है, वो हमसे बहुत गुना आगे है, क्योंकि वो पिछले 60-70 सालों से काम कर रही है, हमसे बहुत आगे है. इतना करोड़ का टर्नओवर करती है वो कि उनका नाम फोर्ब्स की टॉप 500 कंपनीज में, फॉर्च्यून 500 टॉप 500 कंपनीज में उसका नाम. ओके, सो उस हिसाब से देखिए तो वो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है. शायद हमें अगले 5, 10 साल, 15 साल लग जाए उस लेवल पे पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी. मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी नजर में अगर कोई लीडर आज टीम में काम कर रहा है तो उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए अपनी कंपनी के लिए. कोई एक्स कंपनी में काम कर रहा है तो उसका ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए. कोई वाई में कर रहा है तो उसका ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए. माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, माई प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट, माई अपलाइन इज द बेस्ट अपलाइन, माई टीम इज द बेस्ट टीम, माई मैनेजमेंट इज द बेस्ट मैनेजमेंट, माई सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम. अगर ये माइंडसेट अपना होगा नहीं ना, तो पता है क्या हो सकता है कभी भी. देव सर, आपने तो देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, कई बार लोग अपने को जब कोई एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी बन जाता है, बहुत सारा दूसरे कंपनी के लोग आते हैं, बोलते आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. सुना होगा ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना, और साल भर के बाद उस कंपनी का कुछ अता पता नहीं होता, कौन सी कंपनी कहां गई कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि भैया मैं इस गाड़ी में, माइलेज की गाड़ी में एक साल से बैठा हूं, कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा, कुछ सक्सेस नहीं हो रहा, शायद इस गाड़ी में मेरा सक्सेस नहीं लगे. कुछ नहीं बदलेगा. जिन लोगों का ऐसा माइंडसेट है, मैं सिर्फ एक चीज आपको बोलने वाला हूँ, कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, टीम बदलने से कुछ नहीं होगा. जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला. माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, माई प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट, माई मैनेजमेंट, माई टीम बेस्ट है.
ऐसा एटीट्यूड, ऐसा माइंडसेट अपने को बनाना पड़ेगा बड़ी सफलता के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए। अब इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% अपनी सफलता की जिम्मेदारी कंपनी को दे देंगे। मैं एक चीज क्लियर कट आप सब लोग को बोलना चाहूंगा, शायद आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन मुझे ये सच है तो बताना पड़ेगा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकित कुमार को करोड़पति बनाने की नहीं है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को करोड़पति बनाने की नहीं है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गाड़ी अपने घर की लाने की नहीं है। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का जिम्मेदारी है सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, सही प्लान प्रोवाइड करना, सही सिस्टम प्रोवाइड करना, यही कंपनी की जिम्मेदारी है बॉस। अग्री करते तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको सही सिस्टम मिले, सही प्रोडक्ट्स मिले, सही आपका प्लान मिले, टाइम पर पैसा पहुंचे, ये कुछ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और क्या कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है? मेरी नजर में पूरी ईमानदारी से कंपनी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। अपने को क्या करना है? अपने को उस सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा कमाना है, अपने को उस सिस्टम का इस्तेमाल करके, उस प्लान का इस्तेमाल करके, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो गाड़ी तक पहुंचना है जो अपनी ड्रीम गाड़ी है, वो घर तक पहुंचना है जो अपना ड्रीम घर है। कंपनी अपने को करोड़पति नहीं बनाने वाली। आज हजारों लाखों लोग हैं, कैसे बना सकती है? आज मुझे बात दोनों तरफ से है, वी शुड रिस्पेक्ट अवर कंपनी, हमें अपनी कंपनी को प्यार करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन उसपे कई मतलब उसपे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया जो कुछ करेगी कंपनी मेरे लिए करेगी। कंपनी को जो करना चाहिए वो करना है, अपने को सिस्टम का इस्तेमाल कर आगे बढ़ना है, अपने को सिस्टम का इस्तेमाल करके सक्सेस पाना है। और यही बहुत सारे लीडर ने किया। कोई यहाँ पर शायद ही कोई लीडर होगा जो कंपनी के भरोसे पैसा आता है। हम कितना भी करते रहे, कंपनी के भरोसे रहे, अपना अचीवमेंट नहीं होने वाला। अचीवमेंट तब होगा जब टर्नओवर जाएगा, अचीवमेंट तब होगा जब टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे, तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। राइट और रॉन्ग? इफ यू अग्री विद मी टाइप यस। एंड प्लीज आज से ध्यान रखिएगा, माई कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, माई टीम इज द बेस्ट टीम, ये माइंडसेट अपने को रहना है। क्योंकि मार्केट में जैसे जैसे आपका रैंक आगे बढ़ेगा, आपका अचीवमेंट आगे बढ़ेगा, अलग अलग लोग आपको आपके लिए तैयार रहेंगे अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए। और गलती से भी एक बार गाड़ी में बैठे ना, फिर होता क्या है, फिर वो गाड़ी पसंद नहीं आती कुछ टाइम के बाद, फिर दूसरी गाड़ी, फिर वो गाड़ी पसंद नहीं आती, फिर तीसरी गाड़ी, और जिंदगी भर एक डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ गाड़ियां बदलते बदलते निकल जाती, बन जाता बेचारा। ओके, सो ये एटीट्यूड रखना है, लेकिन कंपनी पे फुली डिपेंड नहीं हो जाना है कि कंपनी मुझे करोड़पति बनाएगी। इस सिस्टम का, इस प्लान का, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने को करोड़ों रुपए कमाने हैं, अपनी गाड़ी तक पहुंचना। ओके, पॉइंट नंबर वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज जानने के बाद अगर ये नहीं हुआ तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, और अगर ये हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और पॉइंट नंबर वन है, टेक एक्शन टुडे। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये नहीं करते, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्शन मोड में कभी आते नहीं। कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं और जो लोग दुनिया में नाकामयाब होते हैं, इन दोनों के इरादे मजबूत होते हैं या मजबूत नहीं होते? क्या लगता है, दोनों के इरादे मजबूत होते हैं? कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों के इरादे मजबूत होते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा। चाहे कामयाब हो चाहे नाकामयाब हो, इरादे सबके मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग इतने बड़े बड़े कन्वेंशन में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, हम ऐसा बोले, आपने सुना होगा किसी होस्ट पर लीडर को, क्या आप करोड़पति बनना चाहोगे? यस। क्या आप डायमंड बनोगे? यस। क्या आप गोवा चलोगे? यस। क्या आप थाईलैंड चलोगे? यस। हर चीज पर यस 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 बोलने वाले लोग बहुत है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों का आज काम ना करने का कोई ना कोई बहाना पहले से तैयार रहता है। करोड़ों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए की गाड़ी में घूमना है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन आज काम क्यों नहीं करना चाहिए, उसका कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कारण उनके पास हमेशा रेडी रहता है। वो कभी भी आज एक्शन नहीं लेते, वो हमेशा सिर्फ या तो भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या पास्ट की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, पास्ट में क्या हुआ था और भविष्य में क्या हो सकता है, उसके इस सोच में कहीं आज जो कर सकते हैं वो हमारे हाथ से ना निकलता है। और बहुत सारे लोग उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसको वो बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या जिसका उनको कुछ पता नहीं होता, फ्यूचर जो अनसर्टन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने को नहीं पता था आज से एक साल पहले, डेढ़ साल पहले कि लॉकडाउन होगा,
अपने को घर पे रहना पड़ेगा, अपने को नहीं पता था कि सेकेंड वेव आएगी, अभी भी कोई अपने को गारंटी नहीं है, शायद थर्ड वेव आए, फोर्थ वेव आए, फिफ्थ वेव आए, कोई गारंटी नहीं है, अनसर्टन है फ्यूचर। अपने हाथ में क्या है, आज आज मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं जितनी वेव्स आएंगे, कोविड है, लॉकडाउन और होगा, दो महीना होगा, तीन महीना होगा, मेरे हाथ में नहीं है, सरकार की क्या पॉलिसी होगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपने बिजनेस को घर पर अपना फोकस डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इरादे बहुत मजबूत होते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं, हर चीज अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आज एक्शन नहीं देते, और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम कितनी भी ट्रेनिंग्स में बैठ जाएं, कितनी भी मीटिंग्स में बैठ जाएं, कितना भी कुछ अचीवमेंट करने का सोच लें, कितनी भी काउंसलिंग कर लें, लेकिन हमें एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और जिस दिन हमने एक्शन मोड में लगातार आ गए ना, बहुत कुछ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के साथ पता है क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेना चाहूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग के साथ पता है क्या होता है, एक महीना काम करेंगे, दो महीना आराम करेंगे, फिर दो महीना आराम करेंगे, चार महीना काम करेंगे, फिर चार महीना अगर काम कर लिया तो एक साल आराम, फिर एक साल अगर काम कर लिया तो दो तीन साल आराम, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ऐसा ऑन ऑफ करते 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 ना उनके 5-10 साल निकल जाते, बोलते सर आपने तो कहा था कि 5 साल में मेरा 90 फीट का बैम्बू होगा, कहाँ है सर, मेरे भाई तूने बीच में पानी देना बंद कर दिया, मेरे भाई बीच में तूने केयर करना बंद कर दिया, मेरे भाई बीच में तूने खाद वाद देना बंद कर दिया, तू कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन ऑफ ऑफ से रिजल्ट नहीं आएगा। आज हम सब लोग घर में, हमारी वाइफ, किसी की बहन, किसी की मम्मी, चाय बनानी है, चाय बनाने में 5-10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में चाय बन जाती है, लेकिन वो मम्मी गैस के ऊपर रखकर चाय पत्ता पतीला रखकर कभी ऑन कर रही है 1 मिनट के लिए, फिर ऑफ कर रही है, फिर ऑन कर रही है, फिर ऑफ कर रही है, फिर ऑन कर रही है, फिर ऑफ कर रही है। भैया 10 साल निकल जाएंगे चाय कभी नहीं बनेगी, 20 साल निकल जाएंगे चाय कभी नहीं बनेगी, क्यों, प्रोसेस 10 मिनट का है, लेकिन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ से कभी नहीं बन सकती। और यही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होता है, आप देखोगे आपकी टीम में भी है, हमारी टीम में भी है, 2 महीना काम कर लिया, फिर 4-5 महीना आराम हो रहा है, एक कॉन्टेस्ट क्या थाईलैंड का अचीव कर लिया, लगता है मैं तो भाई पूरी दुनिया में, थाईलैंड मेरे नाम ही हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा रहता लोगों का। तो प्लीज ये ऑन ऑफ छोड़ दीजिए, ऑन ऑफ छोड़ दीजिए, 5 साल अगर कंसिस्टेंटली हम लोग एक्शन मोड में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि 12-12 घंटा काम करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम अगर 4 घंटा भी कर रहे हो ईमानदारी, तो ईमानदारी से 4 घंटा तो करो, कि रात को जब घर पे आओ, शीशे के सामने खड़े हो, तो बोल तो सको कि भाई मैंने अपना 100% दिया, रिजल्ट जो भी आया मैंने आज अपना 100% एफर्ट दिया, वो एटीट्यूड लेकर आइए। सो टेक एक्शन टुडे, क्योंकि जब तक ये नहीं हुआ तब तक कुछ भी नहीं होगा। इफ यू आर रेडी टू टेक एक्शन, से यस आई विल टेक एक्शन, से यस, से यस, से यस, से यस। ओके, 8:10 हो चुका है, लास्ट 5 मिनट्स ऑफ दिस सेशन, और अब मैं आखिरी के 5 मिनट में, आई होप मैंने आपको वो सारी चीजें शेयर कर दी जो आपकी मदद करने वाली है। एक्चुअली 21 रूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता, लेकिन आज पॉसिबल नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई और लूंगा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सिंथेसर के माध्यम से, आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। 10 आज आपके साथ शेयर कर दी, जो क्वालिटीज अगर अब ये 10 हमारे अंदर हुई तो हम अमीर बनेंगे, अगर नहीं हुई तो दुनिया की कोई ताकत अपने को अमीर नहीं बना सकती। 2021 में समझ गए तो बढ़िया, वरना भैया कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा, ये सब चीजें तो अपने को करनी पड़ेगी इस बिजनेस में, और हर बिजनेस की, हर इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ क्वालिटीज एक बंदे के अंदर होनी चाहिए, अगर वो होंगी तो हो सकता है, नहीं होंगी तो कुछ नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूँ आज आपका बिजनेस शायद अच्छा ना जा रहा हो या बहुत अच्छा जा रहा हो, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आज मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे, उनको वो सक्सेस नहीं मिल रही होगी, वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे फील्ड पर, बहुत सारे लोग डिप्रेस होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस, जब मैं इन सब चीजों से गुजर रहा था अपने इनिशियल डेज में, देयर वाज अ टाइम इन दिसंबर 2014 जब मैंने अपने आप से कुछ बातें कही थी, अपने आप से कुछ सवाल किए थे, मैं चाहूंगा वो सवाल आज आप अपने आप से खुद करिएगा, आप चाहो तो रात में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन शांति में करिएगा जब आपके साथ कोई और ना हो। मुझे पता है बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, टीम काम कर रही है नहीं काम कर रही है, वो सक्सेस पे हो या नहीं हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आज अपने आप को खुद से करने जरूरी हैं, और ये क्वेश्चंस आप उन सब लोगों से भी कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप गलत इंडस्ट्री में हो, ये क्वेश्चंस आप उन सब लोगों से भी कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप गलत काम कर रहे हो और आपको ये काम छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये वो सवाल है जो मैंने मुश्किल
दौर में अपने आप से पूछे थे, और मेरी नजर में हर नेटवर्क मार्केटर को जो खराब दौर से गुजर रहा है, इनिशियल दौर पर है, इनिशियल टाइम पर, उसको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, इफ नॉट नेटवर्क मार्केटिंग देन व्हाट? मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, परिवार की परिस्थिति क्या है, लेकिन आज मेरा पहला सवाल, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या आपके सपनों को पूरा करने के लिए? जवाब दीजिएगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या आपके सपनों को पूरा करने के लिए? जवाब दीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या आपके सपनों को पूरा करने के लिए? अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या? नथिंग, नथिंग। सब ड्रीम्स देखते हैं, सबके पास बड़े सपने हैं। मुझे नहीं पता आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे नहीं पता आपका पोटेंशियल क्या है, मुझे नहीं पता परिवार में कितने लोग हैं, कितना कमा रहे हो, लेकिन ये सवाल अपने आप से खुद पूछिएगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या जो मेरी मम्मी के सपनों को पूरा करेगा, मेरे पापा के सपनों को पूरा करेगा, मेरे भाइयों के सपनों को पूरा करेगा, मेरे सपनों को पूरा करेगा? आपका जवाब आएगा नथिंग। अगर कोई और रास्ता नहीं है और यही रास्ता है तो आप सोच के देखिए इस रास्ते पर कितनी शिद्दत के साथ अपने को काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर आज नहीं तो और कब? अगर आज मैं प्लान्स नहीं दिखाऊंगा तो आप और कब दिखाऊंगा? अगर आज मैं जूम मीटिंग्स में नहीं आऊंगा तो और कब आऊंगा? आज अगर मैं फील्ड पे नहीं जाऊंगा तो और कब जाऊंगा? आज अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगा तो कब करूंगा? आज मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं करूंगा तो कब करूंगा? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अगर आज नहीं तो और कब? अगर आज नहीं तो और कब? जवाब देना, अगर आज नहीं तो और कब? आज नहीं तो और कब? कभी नहीं या आज? आज नहीं तो और कब? बिकॉज यही आज अपने पास परफेक्ट टाइम है, इसके अलावा और कोई टाइम नहीं है। पास अपने हाथ में नहीं, फ्यूचर को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को अपने बारे में पता नहीं है, प्रेजेंट अपने हाथ में। आज अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद? जिन लोगों को आप प्लान दिखाएंगे ना, जिन लोगों को प्लान दिखाने के बारे में हम सोच रहे हैं, ऑलरेडी किसी के नेटवर्क में आकर ITC बन जाएंगे, BMW में घूम रहे हैं। इफ नॉट नाउ देन व्हेन? ये सवाल खुद से पूछेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपलाइंस की बात को नहीं सुन रहे, ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे, मीटिंग्स में नहीं आ रहे, फील्ड पे नहीं जा रहे, रिपर्चेस नहीं कर रहे, ये सब चीजें जो करनी चाहिए नहीं कर रहे। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? आज करेंगे तो कब करेंगे? ये जो टाइम है ना 2020 से लेकर 2040 का, ये नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में गोल्डन पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है। अगर जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अगर हमने ये 20 साल कंट्रोल कर लिए ईमानदारी के साथ, हमारा पूरी जनरेशन सिक्योर हो सकती है। यही गोल्डन पीरियड US का या बाहर के इंडस्ट्री में 2000 से लेकर 2020 के बीच में आया था, जहां पर बहुत सारे मिलेनियल्स क्रिएट हुए थे। एंड सेम ये जो सोने की खिड़की है इंडिया की है भी 2020 से लेकर 2014 का। आज एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे यार? कब लेंगे? कब लेंगे? ये सवाल पर पूछना है। तीसरा, बहुत सारे लोग, इफ नॉट यू देन हु? अगर आप अपने सपनों के पीछे दौड़ना को पूरा करने के पीछे नहीं दौड़ेंगे तो और कौन दौड़ेगा आपके लिए? अगर आप प्लान करने नहीं जाएंगे तो आपके लिए और कौन प्लान करने जाएगा? अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए और कौन किताब पढ़ेगा? अगर आप आज प्रोडक्ट चैंपियन में का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपकी जगह कौन बनेगा? अगर आज आप टीम को ट्रेन नहीं करेंगे तो आपकी जगह कौन करेगा? आप ये जो बेसिक्स हैं बिजनेस की आप नहीं करोगे तो आपके लिए कौन करने वाला है? कौन करने वाला है आपके लिए? क्या आप उम्मीद कर रहे हो चंचल सर जाएंगे आपके लिए प्लान करने के लिए, या आशीष सर जाएंगे, या जीत सर जाएंगे, या जो भी आपके अपलाइन है वो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। ये जिंदगी आपकी है, ये बिजनेस आपका है, लड़ाई आपकी है, स्ट्रगल आपकी है। आप ही को फील्ड पे जाना है, आप ही को प्लान करना है, आप ही को ट्रेनिंग में बैठना है, आप ही को किताब पढ़ना है, आप ही को टीम की काउंसलिंग करना है, आपके लिए कोई नहीं करने वाला। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए बाण, अर्जुन के लिए शस्त्र नहीं उठाए थे, उन्होंने बोला था बेटा लड़ाई तेरी है, तुझे लड़नी है, मैं तेरे साथ हूं। और सारे अपलाइन, सारे गुरु हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन लड़ाई आपकी है, लड़नी आपको है, फील्ड पे आपको निकलना है, प्लान आपको करना है, हर वो चीज जो करनी चाहिए वो आपको करनी है। ये 3 सवाल जब मैंने अपने आप से पूछे ना, आई टुक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिजनेस।
100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बिजनेस, उसके बाद की जिंदगी एकदम अलग थी। और ये तीनों सवाल घड़ी घड़ी अपने आप से जरूर पूछेगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो और क्या, अगर आज नहीं तो और कब, और अगर मैं नहीं तो और कौन है जो मेरी मम्मी के सपनों के लिए दौड़ेगा, और कौन है जो मेरे पापा के सपनों के लिए दौड़ेगा, और कौन है जो मेरी बहन की शादी के सपनों के लिए दौड़ेगा, और कौन है जो मेरे भाइयों के एजुकेशन के लिए दौड़ेगा, और कौन है जो मेरे सक्सेस के लिए दौड़ेगा। आपको जवाब मिलेगा, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, आज से बेहतर और कोई टाइम नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया और कोई इंडस्ट्री नहीं है। यू आर वेरी लकी, आई एम वेरी लकी कि हमें वो इंडस्ट्री मिल चुकी है, इतना बढ़िया टाइम मिल चुका है, और अपने आप को बेहतर बनाना है, फील्ड पर जाना है, एफर्ट डालना है, लोगों को उठाना है और बड़ा पैसा कमाना है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपका सेशन आज के आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए माफी चाहूंगा, हुआ उसकी वजह से, लेकिन आई होप जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता था वो मैं आपको डिलीवर कर सका। एंड ये जो बाकी के 11 पॉइंट्स हैं, जब भी मेरा नेक्स्ट ट्रेनिंग होगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको आना होगा तो आप आ जाइएगा। बस लास्ट में मैं अपने आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज वक्त मत बर्बाद करिए, बदल जाइए, वक्त मत बर्बाद करिए, बदल जाइए, इससे बढ़िया टाइम अपने पास नहीं है, प्लीज चेंज योरसेल्फ। एंड अगर आपको लगता है आज का सेशन आपके लिए थोड़ा कुछ भी फ्रूटफुल रहा हो, अगर आपको लगता है आज मैं आपकी जिंदगी में थोड़ी कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया, तो प्लीज फेसबुक पर एक मिनट का फीडबैक वीडियो डाल देना मेरे को टैग करके, आप में से अगर कुछ है, कोई है मेरी फ्रेंड लिस्ट में, प्लीज टैग करके एक मिनट का वीडियो आपका फीडबैक पर डाल देना, मुझे लगेगा मैं आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। 425 लोग हैं, मुझे नहीं पता जूम पर यूट्यूब पर कितने हैं, अगर 20% लोगों का भी फीडबैक वीडियो मुझे आ गया, मुझे लगेगा मैं कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाया। थैंक यू वेरी मच टीसीआर टीम एंटायर, थैंक यू वेरी मच अंचल सर मुझे वापस एक मौका देने के लिए, मैं तो ईयरली एग्जाम की तरह हो गया हूँ सर। लास्ट ईयर भी आपने जून में बुलाया, इस साल भी जून में बुलाया है ना, होपफुली नेक्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात थोड़ी जल्दी होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, एंड वन डे आई विल सी यू एट द टॉप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अंकित सर, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाले आज के प्रोग्राम से। सर मैं बताऊं, मैं एमआई के जितना लीडर को सुना हूं ना अभी तक, अगर टॉप 5 अगर वहां से लीडर निकालूं तो सर आपका नाम थर्ड या फोर्थ में 100% आएगा। सर आज का प्रोग्राम में इतना सारा चीज रहा, मतलब इमेजिन से बाहर, मैं पहली बार जूम मीटिंग में इतना सारा नोट्स बनाया हूं सर, माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू सो मच, इतना सारा चीज हमें, इतना सारा चीज सिखाने के लिए। और मैं तो सबसे पहले आपका फेसबुक पे वीडियो छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम था सर, आज बहुत मजा आ गया। अभी मैं बुलाना चाहूंगा सर हमारे जो क्रिएटर पीसीआर ग्रुप के जो करता धरता सब विधाता, हमारे ग्रेट डायमंड लीडर, हमारे 6ID सेलिंग अचीवर, जिनके वजह से आज अंकित सर को हम सुन पाए, आप सबके जबरदस्त मैसेज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा ग्रेट पर्सनालिटी द डायमंड द दबंग लीडर मिस्टर चंचल रस्तोगी सर। Thank you very much. Hello, I am audible? Yes, sir, bilkul. So first of all, thank you for just calling me, and it was a wonderful session. I will thanks from bottom of my heart to Ankit. It was a wonderful session, ek shandar session, and the reason I love you a lot because of your energy, and that energy is awesome, right? And hope इंटायर टीसीआर फैमिली आप सभी ने जो है आज की ट्रेनिंग को खूब इंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दिस 2 आवर इज अ लाइफ चेंजिंग सेशन, राइट? और आप इन 10 पॉइंट्स के ऊपर भी व्हाट आई लर्न फ्रॉम इंटायर लाइफ, इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का विजेता, नेटवर्क मार्केटिंग योद्धा और नेटवर्क मार्केटिंग का शहंशाह बनने से कोई लाइफ में आपको रोक नहीं सकता, राइट? यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम, राइट? और जैसे कुछ पॉइंट्स थे बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं है, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ही वही है जो अंकित ने एक बड़ा प्यारा स्लाइड शेयर किया था और मैं उसको अपनी ट्रेनिंग में भी जरूर डिस्कस करता हूँ, राइट? कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 3T, राइट? दिस इज द बेस ऑफ योर इंटायर फाउंडेशन फॉर टूवर्ड्स योर बिग ड्रीम्स, राइट? तो 3T जो अंकित जी ने आपको बताया कि पहले ट्रेनिंग लो, राइट? पहले ट्रेनिंग लो, फिर ट्रेनिंग दो, फिर ट्रेनिंग देना सिखाओ। जितने भी लीडर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये 3 प्रोसेस से वो वंचित हैं।
कुछ ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ट्रेनिंग दे नहीं रहे, और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ट्रेनिंग देना सिखा नहीं रहे लाइफ। इफ यू डोंट क्रिएट लीडर इन योर टीम, यू बिकम डंकीज इन लाइफ, राइट? आप गधे की तरह जिंदगी पर काम करते रहो। हमारे अंकित हरी हरी जी, राजेश यादव, जितने भी लोग ना आपने सुना, अब वो कभी नहीं बनोगे। और यही चीज मैं अपने सारे लीडर्स को मैक्सिमम स्पेशली बोलता हूं कि ट्रेनिंग सिर्फ लो मत, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देना सिखाओ। और ये नहीं करोगे तो यू कैन नॉट बिल्ड योर एम्पायर लाइक अस। आज मेरी पिछले महीने की इनकम, जैसे मैं अंकित से मेरा डिस्कशन भी हो रहा था, राइट, लॉकडाउन में इनकम की कोई फर्क नहीं गया, इनकम इज गोइंग वेरी हाई नाउ। मैंने अभी अपना जीएसटी डिपॉजिट किया है, तकरीबन 25 लाख रुपए 3 महीने का मैंने जीएसटी परसों डिपॉजिट किया है। 3 मंथ जीएसटी 25 लाख। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट इन ग्रुप। 3 महीने में 25 लाख की इनकम नहीं लोग की है। तीन महीने मेरा जीएसटी 25 लाख का है, और अभी 13 लाख की जीएसटी मुझे और जमा करनी है। टोटल जीएसटी इज 40 लाख। दिस इज द वे वी आर अर्निंग एंड वाई वी आर स्टिल डूइंग आवर वर्क, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वन डे शो। इट्स यू हैव टू क्रिएट मोर एंड मोर एंड मोर लीडर्स अंडर यू। आपको ज्यादा से ज्यादा लीडर्स अपने नेटवर्क में बनाने हैं, और जीतता वही है, कामयाब वही होता है जिसकी टीम में वन मैन आर्मी नहीं होती, वन मैन शो नहीं होता। मेरे जैसे बहुत सारे लीडर को मैं जानता हूं जो 5-5, 7-7 साल से गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट अंकित, कि शाहरुख खान बनना नहीं है, शाहरुख खान बनाना है, राइट? अमिताभ बच्चन से बनना नहीं, अमिताभ बच्चन बनाना है, किंग बनना नहीं, किंग बनाना है। और जिसको ये आ गया नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका एम्पायर बनाने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, राइट? एंड द लास्ट थिंग्स कि टेक एक्शन। इफ यू डोंट टेक एक्शन, इंटायर ट्रेनिंग, एवरीथिंग इज वेस्ट। तो यू हैव टू टेक ह्यूज एक्शन, मासिव एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड ऑल। आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, आपको बड़ा पैसा चाहिए, आपको बड़ा नाम चाहिए, राइट? तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि ओस की बूंद चाटने से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है। तो यू हैव टू डू समथिंग वेरी बिग इन लाइफ। अगर प्यास बुझानी है तो बड़ा काम करो, तभी बड़ा नाम होगा, राइट? तो आई एम वेरी थैंकफुल अंकित फॉर योर वंडरफुल सेशन। विदाउट स्लाइड आपने आज एक शानदार सेशन लिया। तो मैं पूरे इंटायर टीसीआर परिवार की तरफ से आपका दिल से, यू आर वेरी यंगर टू मी, राइट? बट आई लव योर स्पिरिट, आई लव योर पैशन, आई लव योर डेडिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड ऑल। और आप जितना आप लोगों ने सीखा है उतना मैंने भी सीखा है, मैंने मेरे नोट्स बनाए हैं, बिकॉज दिस इज द वे आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, दिस इज द वे आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, राइट? तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने आज की ट्रेनिंग अटेंड किया है, प्लीज फॉलो द प्रोसेस, राइट? डोंट लव रिजल्ट, फिर रिजल्ट तो बाई डिफॉल्ट आएगा। प्रोसेस से प्यार करो, लोग प्रोसेस में ही टूट जाते हैं, राइट? हम सब ने अपनी जिंदगी में आज जो कुछ ही बनाया है, लास्ट 7 ईयर्स आई मेड मोर देन 22 करोड़ फ्रॉम माई लाइफ स्टाइल। इतना बड़ी इनकम विच इज इम्पॉसिबल टू मेक फॉर एनी कॉमन मैन, राइट? तो आज ये जो सारी सक्सेस मिली है, ये सारी है, आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो आज से जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब कर रहा था। और वाई आई एम क्रिएटिंग सो मच ट्रेनिंग एंड ऑल, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू लीडर्स, राइट? तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीडर्स बनाना है, आप जिंदगी में आगे की तरफ बढ़िए। तो अंकित, आर यू लिसनिंग मी? आप मुझे? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। डियर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेशन डियर। फ्रॉम इंटायर टीसीआर परिवार तरफ से आई एम रियली थैंकफुल टू यू। And this is the way we are going in our life. This is called love and association, right? कि हम इस तरह से चीजों में बढ़ते हुए चले जाएं। तो दोस्तों, हर संडे हम ऐसे एक शानदार शख्सियत के साथ, right? हम एज इज नॉट मैटर, एज इज जस्ट नंबर्स, right? And the success and spirit is only matter in life, right? Being 28, right? अंकित ने अपनी सक्सेस स्टोरी आपको दिखाई नहीं,
मैं चाहता था अंकित की सक्सेस स्टोरी भी आप जरूर दिखाते हैं इनको, राइट, कि आपने अभी नई गाड़ी कौन सी ली है, राइट। तो आप ये सोचिए कि आप जस्ट 7 शुरू के 9 महीना टीसी बनने में लग गए, बट सीटीसी उससे बहुत फास्ट हो गए और आईटीसी उससे फास्ट हो रहे हैं, राइट। दिस इज द प्रोसेस, राइट। तो अगले संडे को हम फिर ऐसे एक शानदार लीडर के साथ मिलेंगे। मैं इस थर्सडे के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस थर्सडे जो हमारा जीटीएस है, इस थर्सडे को हमारे जीटीएस में कौन से गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन इस थर्सडे शाम 6 बजे जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं इस बार जीटीएस में, हमारा जो हेलो, आई एम ऑडिबल? जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों इस संडे, इस थर्सडे जो हमारे जीटीएस में जो हमारे स्पेशल गेस्ट लीडर आ रहे हैं, ही इज अ वेरी वंडरफुल लीडर, मैं उनके बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूं। आ रहा है स्क्रीन? यस सर, आ रहा है। हम सब के लाडले मिस्टर बीके मिश्रा जी फ्रॉम मथुरा, राइट, जो आज आईटीसी इस बिजनेस में बहुत बड़ा एम्पायर है इनका। और मिश्रा जी मर्सिडीज जीएल 350 जो तकरीबन 1.25 करोड़ की है, 1.15 करोड़, राइट, उसके ओनर हैं। तो आज इनका भी बहुत लंबा सफर है, मेरे बड़े अच्छे जाने वाले लोगों में से एक हैं। तो मिस्टर बी के मिश्रा जी इस थर्सडे को आईटीसी प्लस मर्सिडीज ओनर हमारे थर्सडे के जीटीएस में एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, और हमारा प्लान जो है मिस्टर जी शेखावत ले रहे हैं। तो दोस्तों इस थर्सडे को फिर आप तैयारी करिए, हम शाम को 6 बजे मिलेंगे एक शानदार शख्सियत के साथ उनकी लाइफ, जैसे आपने लास्ट वीक संकेत जी की लाइफ बारे आपने देखा सुना, तो ऐसे ही बी के मिश्रा जी के भी अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं इतने सारे एक्सपीरियंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जिंदगी में सक्सेस का वो मार्ग मिले, इससे आप जिंदगी में कामयाबी के शिखर पे पहुंचे, राइट। और अगले संडे फिर हम एक शानदार ट्रेनिंग करेंगे एक शानदार लीडर साथ, वो लीडर कौन आ रहे हैं ये मैं आपको थर्सडे को बता दूंगा, राइट। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आज जो आपने सीखा उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए, और हम सब मिलकर एक बड़ा इतिहास रचेंगे, राइट। तो 10 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे हम फिर अपने जीटीएस में मिलेंगे बीओपी के अंदर, और मुझे स्पॉटलाइट देना है, एक मिनट यार। जी सर, डन सर, ठीक है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में आज जो अंकित जी ने आपको बताया उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, और जो गलतियां करके लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, उन गलतियों से तौबा करिए उनसे, राइट। आई विल जस्ट हैंड थैंक्स वंस अगेन टू अंकित एंड ओवर टू होस्ट फॉर एंडिंग दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय माला स्टाइल, जय टीसीआर। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थर्सडे को हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है गाइस, उसके लिए रेडी हो जाए। और मैं आप सबको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ नहीं पाए तो ये लिंक आपको यूट्यूब में मिलेगा, अब लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा, और मैं आपको बता दूं गेट रेडी फॉर नेक्स्ट थर्सडे। ओके, थैंक यू सो मच लीडर्स, मिलते हैं अगेन हम लोग थर्सडे को ठीक 6 PM को। जय टीसीआर, जय माय लाइफस्टाइल लीडर्स, वी विल रॉक टुगेदर। थैंक यू।